भाई लोग कनेक्ट होते जाइएगा धीरे धीरे, सारे साथ साथ में जो जो कनेक्ट होता रहे प्लीज़ बताते भी जाइएगा, मुझे भी पता लगता रहे कौन कौन आ चुका है। चार्जर वार्जर का जो जुगाड़ कर लेते हैं। अभी तक कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ क्या? टाइम कितना हुआ है? 8:30। मैं तो टाइम पर हूँ वैसे, आप लोग टाइम पर नहीं? हेलो संजय जी, बहुत बढ़िया हूँ मैं, आप बताइए आप कैसे हैं? बुधवार के दिन भी लाइव आया करेंगे, सैटरडे को एंड उसके बाद क्या आता है संडे को, ये 3 दिन 8:30 बजे शाम को रात को, मतलब कंफर्म है कि लाइव आएंगे ही आएंगे अगर मैं यहाँ हूँ तो। कोई बहुत ही रेयर कोई केस ऐसा हो कि नहीं हो पा हो सकता है और लाइव ना आ सकता हूँ तो एक अलग बात है, बट पूरी पूरी मेरी जो सी कोशिश यही रहेगी कि ये 3 दिन जो से हैं हम इसमें लाइव हो हर हालत में।
एसी को क्या हो गया यार, ये लोग घर में मारेंगे मुझे लगता है। संजय गुरु ऐसे लाइव पर आकर अकेले ही ऐसे बैठे रहना है, बड़ा कितना अजीब सा लगता है यार। जब आप अकेले ही लाइव पर बैठे हो, कोई और है ही नहीं, कितनी अजीब सी मतलब एक फीलिंग आती है। संजय जी मुश्किल ही है मिलना, कोई किसी का पुराना कोई डेड सेट पड़ा हो अगर, जो किसी और प्रॉब्लम में डेड हो रखा हो अगर, तो उसमें से अगर आप उसका बोर्ड निकाल कर डाल लें तो एक अलग चीज़ है। बाकी वैसे जो बोर्ड है वो तो मुश्किल ही है मिलने, क्योंकि मॉडर्न जोन्स एसटीआर तो बहुत पुरानी सीरीज हो चुकी है, तो मे बी मेरे हिसाब से शायद मिले ना। क्या है इसमें प्रॉब्लम आपके, क्या आ रही है मतलब, प्रोटेक्शन पर करे चला गए हैं ये या आउटपुट नहीं दे रहे? किस तरीके की अल्ट्रेशन सर? नमस्कार सुनील जी, कैसे हैं? स्वागत है भाई आप सबका, जो जो आ चुके हो अभी तक। संजय जी कर सकते हो आप, जो आपका एम्पलीफायर है उसका जो प्री का सेक्शन है उसको आप बदल दीजिए, और पावर सेक्शन जो है आप उसी का यूज़ कर लेते हैं अगर, तो उसका प्री को हटा देते हैं वहाँ से, प्री की जगह आप दोबारा दूसरा एक नया सर्किट लगा लीजिए वहाँ पर, और पावर जो है पावर का सेक्शन आप उसी का यूज़ कर सकते हो। थोड़ा टेक्निकली नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि मेरे को अंदाज़ा तो है इस चीज़ का कि ऐसा हो जाता है, मगर अब कैसे करते हैं मुझे ये नहीं पता। बाइपोलर और डाइपोलर की वीडियो वेरी गुड थी, थैंक यू सुनील जी। हाँ भाई नमस्कार, मेरा एक सवाल है, घर में स्टीरियो सिस्टम पर अच्छी क्वालिटी ऑडियो सुनने के लिए ट्रांजिस्टर बेस्ड अच्छे होते हैं या आईसी बेस्ड? सर ट्रांजिस्टर ही ज़्यादा बेटर होता है, बाकी आईसी आप जिसकी कौन सी वाली आईसी की बात कर रहे हो, तो आईसी तो अभी तो यहाँ पर जो डिजिटल एम्पलीफायर आ रहे हैं आजकल, तो उसमें आईसी लगी हुई आती है, क्लास डी के जो हमारे एम्पलीफायर होते हैं, या फिर क्लास डी सॉरी आईसी में वो पहले जो उनसे आया करते थे जिसमें कि हमारी 4040 वगैरह ऐसी कुछ आईसी वगैरह जो उनसे वो यूज़ होती थी, तो बट ये है कि ट्रांजिस्टर जो उनसे वो ज़्यादा बेटर रहेगा रहेगा क्या होता ही है मतलब, हो सकता है। थैंक्स थैंक्स की ज़रूरत नहीं है संजय जी, सिर्फ वीडियोस को शेयर कर दीजिए करिए अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर, जहाँ भी आप जो भी आप यूज़ करते हो, जिससे कि और लोगों को भी चैनल के बारे में पता लग पाए। क्योंकि आप लोग ही अगर करोगे तो होता है, क्योंकि चैनल स्टार्टिंग जब होती है तो सजेशन के अंदर नहीं आता है, सर्च में नहीं आ रहा होता चैनल, क्योंकि उससे पहले के जो उनसे काफ़ी पुराने चैनल बने होते हैं तो वो ऊपर आ जाते हैं, तो नया चैनल जो है वो दिखाई नहीं देता। मगर आप लोग अगर शेयर करें अपने लोकल प्लेटफॉर्म्स में, ग्रुप्स वगैरह में वीडियोस को या चैनल को, तो वो ऑटोमेटिकली यूट्यूब उसे सजेशन में डालना शुरू कर देता है। मैंने आपको मैसेज किया था व्हाट्सएप पर, देखा था क्या? सुनील जी अभी तक तो नहीं देखा, माफ़ी, नहीं नहीं देखा तो था, हाँ देख लिया था मैंने सर, वो कुछ जो लॉट वगैरह था आई थिंक, है ना, वही मैसेज आया था एक आपका, लिंक आया था जो साहब का एक,
ओके यार, सुनील जी देख लिया था वो मैंने, मगर अब पता नहीं है क्या है उसके पास क्या नहीं है, कबाड़ कबाड़ सा ही नजर आ रहा था सारा। It means transistor based amplifier is better for home audio and listening results and in this one. बिल्कुल सर आलोक जी, बिल्कुल ठीक है। ऐसा देखो, ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका एम्पलीफायर ट्रांसिस्टर बेस्ड नहीं है या आईसी है या क्लास डी है तो वो अच्छा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। बट ट्रांसिस्टर जो से वो काफ़ी अच्छा वार्म साउंड प्रोवाइड करा देता है, जो कि आईसी जो उनसे होती है वो एक डिजिटली बनाई गई होती है, तो उसमें कुछ कमियां हम कह सकते हैं कि होती हैं। तो बाकी डिज़ाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी ने जो डिज़ाइन बनाया है कुछ R&D कर ही, इतनी रिसर्च के बाद ही बनाया होता है। हेलो कंकेश जी, कैसे हो सर? सुनील जी हो सकता है, बट अब वहां जाए कौन, बीमारी तो ये है ना, आपको पता है कि मैं ऐसे जाता तो होनी कहीं पर। मत बोलिए आलोक जी, वीडियोस को शेयर कर दीजिए करीम सर। लाइव वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं मैं बोलता, जब मैं कहता हूँ अगर की वीडियो को शेयर करिए तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप इसी लाइव को शेयर करें, क्योंकि लाइव वीडियो आप किसी को शेयर कर रहे हैं तो हो सकता है वो बंदा देखेगा ही नहीं उसको, क्योंकि उसके मतलब की चीज़ नहीं होगी अगर वो, तो वो हर बंदा ये नहीं देखना चाहेगा कि पता नहीं क्या बात हो रही होगी इसमें या क्या है। और जो सी हमारी वीडियोज़ होती हैं जिससे कि कुछ किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है या किसी और टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं, तो अगर आप उन वीडियोस को शेयर करेंगे तो यार वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है चैनल की गेनिंग के लिए, उसमें लोग इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे कि सपोज एग्जांपल के तौर पे बेस्ट AVR है या बेस्ट होम थिएटर सेटअप की बड़ा है, हाउ टू सेटअप आवर होम थिएटर, इस टाइप से मतलब जो भी वीडियोज़ बनी हुई हैं हमारे पास, तो उनको अगर आप शेयर करें तो यार बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका बड़े वाला। अभी जस्ट अभी अभी बस पहुंचा हूँ, थोड़ी देर ही हुई है मुझे भी आए। एक ट्विटर है, कितने बढ़िया तरीके से मतलब कि ये देखो इसको बनाया गया है यार, क्या जबरदस्त एक अलग ही मतलब कि चीज बनाई हुई है। एक बाहर आयरन प्लेट लगी हुई है एक, इसमें काफी मोटी भी है और भारी भी बहुत है ये। पीछे टर्मिनल्स हैं, जो मैग्नेट है इसमें नियोडियम मैग्नेट को यूज किया गया, ये बीच का देख रहे हैं ये जो टिक्की, ये हमारी मैग्नेट है इसके अंदर। तो बहुत ही यार अलग ही एक तरीके से इसको बनाया गया है, इलेक इलेक कंपनी का ये ट्विटर है। जैसे कि पहले आपने रिबन स्पीकर्स के बारे में देखा था, वीडियो भी आई थी एक, तो ये जो सा है ये भी एक रिबन ट्विटर ही है, बट इसे इसको जो बोलना एक्चुअल जो सा ये होता है हमारा फोल्डेड रिबन ट्विटर, यानी कि इसके अंदर जो रिबन लगा होता है फोल्डेड होता है, वो कुछ इस तरीके से वेव्स के अंदर बना हुआ आता है।
जो नॉर्मली होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, इसमें वेव्स होती हैं जिससे कि जो हमारी आउटपुट निकलती है फ्रिक्वेंसीज की, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करे, ताकि हमें वाइड एंगल एरिया जो हमारा है, वाइड कवरेज एरिया है, वो और ज़्यादा वाइड हो जाए हमारा। तो उसे इस तरीके से बनाया गया होता है। यहाँ आप क्लोजअप में अगर देख सकें, ये एक्चुअली में अभी ख़राब है, ये चेन्नई से हमारे यूट्यूब चैनल के ही सदस्य हैं, उन्होंने इसे भेजा है और ये आज ही मुझे मिला है ये। तो अभी तक तो इसको खास कुछ देखा नहीं है मैंने, इसमें अभी रिपेयरिंग नहीं इसको किया अभी ज़्यादा, खोलकर सिर्फ चेक ही किया था, तो बाकी बाद में इसे करेंगे। ये कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है। यहाँ से ये जो तारे हैं इसकी, यहाँ से इस तरीके से इसकी वायरिंग जो सी है वो यहाँ से बाहर निकाली जाती है पहले, एज इट इज सेकंड साइड, जो दूसरी साइड है इसकी वो भी। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ये ऐसा होता है। उसके बाद में ये एक रिंग होता है आयरन का, ये इसके ऊपर ही चिपका हुआ होता है। ये ये इस तरीके से बन जाता है। फिर इसके बाद में ये फ्रंट प्लेट होती है जो सी, इसको लगाया गया होता है। ये इस तरीके से ट्विटर हमारा कंप्लीट हो जाता है। पूरे ट्विटर के अंदर कोई पेच नहीं लगा हुआ, कोई कुछ नहीं लगा होता, सिर्फ मैग्नेट से ही इसको आपस में चिपकाया गया होता है। ये आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं फोल्डेड रिबन ट्विटर। अभी ये फिलहाल खराब है, कमेंट्स के ऊपर नज़र मार देते हैं एक बार। बैकग्राउंड अगर एम्पलीफायर और स्पीकर्स दिखते रहें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सर आलोक जी, ये तो देखो अच्छा तो लगेगा, वो मुझे खुद को भी अच्छा ही लगता है वो, मगर उसमें चक्कर क्या है कि सेटअप जो है वो ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पर, तो अभी वहाँ पर यार एक तो देखो सबसे पहले AC नहीं लगा हुआ, तो अभी उस कमरे में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, क्योंकि वो सारा जो है थर्मल उसमें भी बना होता है, एकूस्टिक वगैरह किया होता है, तो वहाँ पर गर्मी कुछ ज़्यादा लगती है उधर, तो AC है नहीं, इस वजह से वहाँ बैठना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बाकी धीरे धीरे करके जैसे जैसे हो जाएगा कंप्लीट, तो फिर वहीं आकर बैठा करेंगे। तो साथ में आपको कुछ चीज़ें भी नज़र आती रहेंगी, जिसके बारे में कुछ भी आप जानना चाहो तो वो भी आप जान सकते होंगे। नमस्कार अमित जी, कैसे हो? नमस्कार गोविंद जी, कैसे हैं सर आप? अमित जी, पायनियर DV525 DVD का लेंस मिल सकता है क्या? सुनील जी, मिल जाएगा वो तो, आप मेरे को, मैं बता दूंगा आपको, मेरे को एग्जैक्ट शॉप का तो नहीं पता, बट मिल जाता है। मोस्टली सभी लेंसेज जो से हैं वो वहाँ पर मिल जाते हैं वो। मैं आपको एक बार उसका या शॉप का नाम या नंबर मुझे याद नहीं है, लाजपत राय मार्केट के अंदर ही, किसी क्लाइंट ने ही मुझे बताया था कि वहाँ पर सारे लेंसेज मिल जाते हैं। मैं तो कभी गया नहीं वहाँ पर, बट सुनना है जो मैंने उसी के यहाँ पे आपको बता रहा हूँ मैं, कि वहाँ मिल जाते हैं, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप ढूंढेंगे तो मिल ही जाएगी वो दुकान भी शायद आपको। वो भी दुकान क्या और भी होंगी, ऐसा नहीं कि एक ही होगा वहाँ पर, और भी काफ़ी सारी दुकान होगी जहाँ पर ये मिल जाते होंगे, क्योंकि उसने काफ़ी विंटेज CD प्लेयर्स थे बंदे के पास जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसने काफ़ी सारे लेंसेज बताए थे मुझे कि वहीं से मैंने लिए हैं वो। सुनील कुमार, गुड, थैंक्स। थैंक्स की जरूरत नहीं है सुनील जी, वीडियो को शेयर कर दीजिए बस, शेयर करते रहा करिए बस।
बाकी भाई लोग कोई नया व्यक्ति जुड़ा हो चैनल पर, आज वीडियो को पहली बार देख रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना भाई साहब, ताकि वीडियोस का आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। नितेश जी आर यू फाइन सर? यस सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया नितेश जी, करणदीप सिंह जी सर एडिफायर होम थिएटर कैसे हैं? सर मैंने एडिफायर का होम थिएटर आज तक कोई देखा ही नहीं है, जो इनके 5.1 वगैरह देखे हैं वो होम थिएटर नहीं होते, वो मल्टीमीडिया स्पीकर्स होते हैं एक्चुअल में, उनको होम थिएटर नहीं बोला जाता वैसे, पता नहीं एडिफायर होम थिएटर बनाता है या नहीं बनाता ये मुझे पता नहीं है, बाकी ठीक होते हैं या नहीं होते हैं आप लेना चाहते हैं तो उसका डेमो लीजिए पहले, आपको पसंद आते हैं तो आप ले सकते हैं। शिशुपाल जी सर सोनी का साउंड बार SP500 और सोनी नहीं शिशुपाल जी मुझे इन मॉडल का ऐसे याद नहीं है, क्योंकि पता नहीं कौन से मॉडल्स हैं ये, मेरे को तो याद ही नहीं है इनका वैसे भी, तो इनकी कमियां बतानी है। चलिए कोशिश करूंगा सर, एक बार चेक करूंगा पहले क्या है इनकी स्पेसिफिकेशन वगैरह, तो आपको इसकी कमियां बता दूंगा फिर मैं, खाली कमियां ही बताऊँ अच्छाइयां ना, अच्छाइयां नहीं बतानी इसकी कुछ भी। सॉरी सॉरी शिशुपाल जी वो खूबी नहीं मैं पढ़ पाया एक्चुअली। ठीक ठीक सर, अच्छा ये भी मतलब खूबियां भी और कमियां भी, मतलब बेसिकली इन दोनों को कंपेयर करना चाह रहे हैं शायद आप, कि इन दोनों में से कौन सी ठीक रहेगी। नितेश जी सर पैसिव क्रॉसओवर सर्किट को क्लास बी एम्पलीफायर कौन सा एम्पलीफायर? सर पैसिव क्रॉसओवर सर्किट को क्लास डी एम्पलीफायर को आगा सकते हैं सर? पैसिव क्रॉसओवर नितेश जी आपका स्पीकर्स के अंदर ही लगाया जाता है, तो एम्पलीफायर से तो उसको कोई लेना देना नहीं है उसका। शिशुपाल जी बहुत फनी है आप जी सर, वो तो मैं भी जब अपनी शक्ल देखता हूँ ना शीशे में तो मुझे भी लगता है।
यूज कर सकते हो। हाँ नितेश जी यूज कर सकते हो, स्पीकर के अंदर लगना है आपके, तो आप उस पर एम्पलीफायर जो सा मर्जी लगाओ, क्लास डी पे चला रहे हो डी पे चलाओ, ए पे चलाओ बी पे चलाओ, ए बी पे चलाओ, एच पे चलाओ, उसे आप जिस पे मर्जी चलाओ, उससे कोई दिक्कत थोड़ी है। क्रॉसओवर का काम सिर्फ उसे मिलने वाली फ्रिक्वेंसीज को डिवाइड करना है, तो आप जो सी भी फ्रिक्वेंसीज आपकी एम्पलीफायर से स्पीकर तक आप भेज रहे हैं, उसी एम्पलीफायर को वो सिर्फ डिवाइड करने का काम करता है क्रॉसओवर। उसे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि उसको जो चीज़ सप्लाई आ रही है, जो सिग्नल उसे मिल रहा है पीछे से, वो क्लास डी एम्पलीफायर दे रहा है या क्लास ए दे रहा है या क्लास ए बी दे रहा है क्लास एच दे रहा है, उससे उसे कोई लेना देना नहीं है। वो उसने अपना काम जो है पूरी ईमानदारी से करते रहना है। पचास हज़ार से 70,000 का कोई होम थिएटर और साउंड बार बताएं, बेस्ट साउंड डायलॉग क्लैरिटी हो। शिशुपाल जी सर साउंड बार के तो देखो ध्यान में नहीं आएगी शिशुपाल जी अभी कोई मेरे, बाकी आप 70-80 हज़ार में अगर होम थिएटर लेना चाहते हो अच्छा, तो आप डेनन का एम्पलीफायर ले सकते हो, जैसे कि 70-80 हज़ार में अगर आप जाते हो तो आप 1600 मॉडल जो है डेनन का वो ले लीजिए, तो आपको वो तकरीबन मिल जाएगा कुछ 45-50 हज़ार के आसपास आपको मिल जाएगा वो नया ही। बाकी इलेक के स्पीकर्स ले सकते हैं आप, जो अभी इलेक का एक सिनेमा सीरीज आ रही है तो 35,000 रुपये का उसका पैकेज है 5.1 का, एक 8 इंच का सबवूफर होता है उसमें और 5 स्पीकर मिलते हैं उसमें, छोटे स्पीकर होते हैं सेटेलाइट सी, तो वो ले सकते हो आप, तो तकरीबन वही 75 या 80 हज़ार रुपये के आसपास आपको वो पड़ेगा और किसी भी साउंड बार से ज़्यादा अच्छा रहेगा वो आपके लिए। साउंड बार चाहिए आप 2 लाख की ले लो, बट ये पैकेज उससे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके पास। आपके पास मिल जाएगा शिशुपाल जी ऑन ऑर्डर मिलता है ये आपको, बट ऐसे स्टॉक में नहीं रखता मैं, नए का स्टॉक नहीं रखता मैं, नए के अंदर सिर्फ जो उनसे लिमिटेड काफ़ी सस्ते और रनिंग मॉडल जो उनसे होते हैं जो जल्दी जल्दी बिकने वाली चीज़ें हैं, या फिर कुछ ऐसा लॉट के अंदर मिल रहा होता है मुझे कि इकट्ठा उठाऊँ तो मुझे काफ़ी सस्ता अगर वो पड़ रहा है तो वो वाली चीज़ें जो उनसे वो मैं नहीं लेता हूँ। बाकी का जो उनसे होता है वो ऑन ऑर्डर होता है, तो जब भी किसी क्लाइंट को वो चाहिए होता है तो वो हमसे बात करके बुक करवा लेता है, उसके बाद हम उसे पर्ची यहाँ से उसकी डिलीवरी करवा देते हैं उस चीज को। हेलो जीत जी कैसे हैं, सर ऑडियो के लिए आप कोई बेस्ट बुक सजेस्ट कर सकते हैं क्या? नितेश जी किस चीज़ के लिए बुक चाहिए आपको? फैशन डिक्शनरी डेनन 1600 एम के पास कितने? ये फैशन डायरेक्टरी जी शायद तकरीबन आप 1600 जो है वो आपको 45 और 50 के आसपास का रेट होगा उसमें। सर
सर जम्मू जम्मू में डेनन का सर्विस सेंटर है शिशुपाल जी, नेट पे चेक करना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता, बाकी शायद हो वैसे मेरे हिसाब से। तो आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, मुझे पता नहीं है, क्लियर मुझे भी नहीं है उसका। सूरज जी, सर पायनियर होम थिएटर कैसे हैं? सर पायनियर होम थिएटर कैसे हैं? अच्छे हैं वो भी, ठीक है, सही होते हैं, सारे अच्छे होते हैं वो। बाकी पायनियर जो है उसको अभी ऑनक्यो ने खरीद लिया है, वो पायनियर अब पायनियर का नहीं रहा, वो ऑनक्यो ही बन चुका है वो। ऑडियो के फील्ड के नितेश जी, अलग अलग फील्ड होती है। देखिए हाई एंड ऑडियो के अंदर एक अलग फील्ड है, उसमें आपको इंस्टॉलेशन की एक अलग फील्ड आ जाती है, या आप हार्डवेयर नॉलेज चाहते हैं तो वो एक अलग चीज़ है। तो आजकल मैगजीन वैगजीन का क्या लेना है यार, आप कुछ भी जानना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे सर्च करो उसको, तो आपको उसके बारे में वीडियो जो है वो मिल ही जाएगी, या फिर आप गूगल के अंदर जाओ तो हर एक चीज़ के आर्टिकल जो है वो डले हुए होते हैं, वहाँ जाकर भी आप पढ़ सकते हो उनको। तो बट थोड़ा सा फर्क सिर्फ इतना आ जाता है कि उनकी जो सी लैंग्वेज होती है वो कुछ ज़्यादा टिपिकल टाइप की लैंग्वेज होती है, तो इतना इजीली उनको समझ पाना मुश्किल होता है। तो यही अगर कोई बंदा उसे हिंदी में समझाता है अपने तरीके से, जैसा कि यूट्यूब पर काफ़ी सारे बंदे ऐसे होते हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी समझ में चीज़ आ जाती है। तो उसके लिए कोई मैगजीन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। बाकी मैगजीन काफ़ी मैगजीन है, हाई एंड ऑडियो के नाम से मैगजीन आती है, एक विल्सन ऑडियो वालों की अपनी एक मैगजीन है, इसी तरीके से काफ़ी सारी है, हाई फाई के वटा हाई फाई के नाम से मैगजीन आती है एक, और हमारे पास कौन सी पड़ी हुई थी, हाई फाई इंजन की मैगजीन होती है आती है, मतलब बहुत सारी काफ़ी सारी मैगजीन्स ऐसी हैं, आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको ढेर ढेर मिल जाएगा पूरा उनका। कहाँ चले गए भाई, कहाँ निकल लेते हो सारे के सारे की बात। हेलो शमी जी, कैसे हो?
थैंक यू अजीत जी। एक स्क्रीनशॉट मारना है यार। T50 and T15 कैसे रहते हैं वो? ठीक है, फैशन डायरेक्टरी की ठीक है ये भी, बाकी अकॉर्डिंग टू योर बजट अगर आपको ये सूट करते हैं तो अच्छी बात, ठीक है। अगर बजट आपका इससे ऊपर जाता है तो आप पॉक की जगह कोई और चीज़ लें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको धूमधड़ाके वाला साउंड ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसमें कि बेस वेस चाहिए, अगर आपको धूमधड़ाके में पड़ोसियों के बर्तन चर्तन हिलाने का मूड बन जाता है अगर आपका कभी कभी पैग लगाने के बाद में, तो आप पॉल्क ले सकते हैं। लाइव आने का मज़ा ही कुछ और है सर, लाइव आने नितेश जी बिल्कुल, वो तो देखिए है ही है यार कि लाइव के अंदर में आप कोई भी चीज़ पूछ सकते हो, जो कि एक वीडियो के अंदर अगर आप कमेंट दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, या तो वो उस वीडियो से रिलेटेड होगा, या फिर आप कुछ पूछना भी अगर चाह रहे होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि उसका जवाब बताना, एक बोलना और लिखने में फ़र्क आ जाता है, तो समझ जाओ मतलब, तो बोलने और लिखने में फ़र्क आ जाता है, तो पता लगी क्या होगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी कौन सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो बोलनी नहीं आ रही अगर मुझे। बेसिकली मतलब एंड ऑफ द डिस्कशन इज कि हाँ लाइफ के अंदर ज़्यादा बेटर रहता है, मगर सिर्फ लाइफ से तो गुजारा नहीं कर सकते। बाकी लाइव में ये भी होता है कि आपको कोई भी सवाल होता है तो उसका जवाब आपको उसी समय मिल जाता है। कमेंट्स में है कि कमेंट्स में आपने कोई भी सवाल पूछा अगर, तो पता नहीं कब तो मैं उसको पढ़ूंगा, कब मैं उसका जवाब दूंगा, तब तक आप खुद ही भूल जाओगे कि आपने पूछा क्या था, तो वो बात वहीं वहीं की वहीं धरी की धरी रह जाएगी फिर। 15 से 20 हज़ार तक पूरा पैकेज प्रदीप, 15 से 20 तक पूरा पैकेज लाओ। कहाँ से सर? सर 15-20 की पैकेज जो सा है वो तो मैं पहले डाल ही चुका हूँ आपको, यूज़ के अंदर ही मिलेगा वो, जो होगा वो भी मॉडल जो उनसे होंगे थोड़े हल्के में होंगे तभी आपको इतने तक मिलेंगे। ये तो 15-20 हज़ार के अंदर में नया तो कुछ है ही नहीं, आता ही नहीं है नया, तो बाकी यूज्ड में भी अगर आप जाते हो तो यूज़ के अंदर भी कोई बहुत आपको हाई एंड चीज़ तो नहीं मिलेगी इतने में। वीजियो साउंड बार कैसे होते हैं डॉल्बी एटमॉस? सर ये वीजियो क्या है मुझे नहीं पता, शमी जी सॉरी माफ़ी चाहूँगा, मुझे नहीं पता ये वीजियो क्या है, ये वीजियो है क्या, ये कंपनी है कोई या क्या है ये? करमजीत सिंह जी, जी आया नु जी, बस वधिया वीरे तू सुना की हाल चाल? शमी पहनी वाली कंपनी है सर, मुझे पता नहीं है इसका कौन सी कंपनी है ये, मैंने आज नाम भी एक्चुअली आपको बताऊं क्या, तो पहली बार ही सुना है मैंने इसमें। सनी जी हेलो, सनी जी कैसे हैं सर? एक बात काली सर, एक अच्छे पोर्टेबल स्पीकर की आइडेंटिटी क्या होती है? जी पोर्टेबल स्पीकर से आपका मतलब पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर या क्या, कैसा स्पीकर पोर्टेबल से थोड़ा सा मुझे क्लियर करो पहले, आपकी पोर्टेबल आप क्या किसे रहे हो
और सेकेंडली कि आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है इसका भी मतलब थोड़ा बताओ पहले मुझे, क्या कहना चाह रहे हो? क्योंकि मैं ऐसे ही बिना सही से आपका सवाल समझे जवाब नहीं देना चाहता किसी भी चीज़ का ना। वीज़ो बहुत ही घटिया और ओवर प्राइज्ड होते हैं, और साउंड बार में एटमॉस सिर्फ सपने में ही सोच सकता है। बिल्कुल अजीत जी, वीज़ो के बारे में तो मैं नहीं कोई टिप्पणी करना चाहूँगा क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं पता है इसके बारे में। बट ये जो सेकेंडली आपने बात जो सी बोली है एटमॉस की फीलिंग की, तो इससे मैं आपसे बिल्कुल और पूरे पूरे तरीके से मैं सहमत हूँ आपसे। पहचान स्पीकर की, सर देखो नितेश जी, एक जो सच्चाई वाली बात मैं आपको बताता हूँ, एक आज आप सब लोग भी इस चीज को देखो ध्यान में रखो। कंपनी जितनी मर्जी बड़ी है, जितनी मर्जी अच्छी कंपनी है, वो अच्छी होती है। अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर अच्छी कंपनी के बनाए द्वारा बनाया गया हर मॉडल अच्छा हो, चाहे वो ऑडियो की लाइन हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो कुछ भी किसी भी टाइप की वो कंपनी है, तो हर एक अच्छी कंपनी के हर एक मॉडल अच्छे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसी में आपके आंसर, आपके सवाल का भी जवाब है नितेश जी, कि एक अच्छे स्पीकर को आप तब जज कर सकते हो जब आप उसको डेमो लेते हो उसका, जब आप उसको यूज़ करते हो। डेमो के अंदर में भी बहुत से मैंने यूट्यूबर्स ऐसे भी देखे हैं कि वो बोलते हैं कि हाँ मैंने इन सब का डेमो लिया है शोरूम्स पे जाकर। तो ठीक है, वो शोरूम पर जाकर डेमो लेते होंगे, मगर अगर वो 10 चीज़ का डेमो ले रहे हैं तो वो एक चीज़ को कितना टाइम दिया होगा उन्होंने, आप ये बताइए मुझे। 1, 2 या 3 मिनट से ज़्यादा आप एक चीज़ पर टाइम नहीं दे सकते अगर आप किसी शोरूम में जाकर उसका डेमो ले रहे हैं। तो ये जो सी होती है ना, ये तो देखिए एक होती है सरासर बकवास वाली बात कि हमने इसका डेमो लिया जाकर। भाई साहब, डेमो के अंदर में 1 या 2 मिनट के अंदर आपको कभी जिंदगी में, आपको क्या जितना मर्जी एक्सपर्ट बंदा भी अगर है तो वो भी कभी उस चीज का 2 मिनट का डेमो लेकर उसके बारे में पूरी स्पेसिफिकेशन उसकी नहीं बता सकता कभी भी। बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिसको 2 मिनट में तो आपको पता भी नहीं लगेगा यार कि वो क्या है, चाहे वो आप ब्लूटूथ स्पीकर है, चाहे वो जो मर्जी हो उसके अंदर। तो आपका जो, मेरा जो जवाब है वो आप आई थिंक समझ गए होंगे कि आप हमेशा देखिए, एक थोड़ा सा ना हमें रास्ता मिल जाता है कंपनी के नाम से कि हाँ यार सपोज दैट कि बॉस के ब्लूटूथ स्पीकर अच्छे होते हैं, तो एक हमें ये पता होता है कि यार बॉस जो सी है वो अच्छी कंपनी है, तो अच्छे स्पीकर होते हैं इसमें, इनके जो ब्लूटूथ स्पीकर हैं JBL है तो इनके भी अच्छे होते हैं। तो एक रास्ता हमें मिल गया कि हाँ यहाँ जाएं, मगर जो भी मॉडल आप ले रहे हैं वो जब तक आप यूज़ नहीं करते या कोई यूज़ नहीं कर रहा, उसके रिव्यूज़ वगैरह देखिए, आपका कोई रिश्तेदार है या कोई भी जान पहचान का बंदा जो इसे यूज़ कर रहा है उससे पूछ सकते हैं, या फिर शोरूम में जाकर उसका डेमो ले सकते हैं थोड़ा ब्रीफली। आपने 1 या 2 चीज़ों का डेमो लेना है तो आप वहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वो जो मैं अभी 1 या 2 मिनट के डेमो की बात कर रहा था वो मैं यूट्यूबर्स के लिए कर रहा था। अगर मैं भी अभी जैसे कि मैंने एक वीडियो पीछे बनाया था जिसमें कि मैंने बोला भी था आपको कि मैंने इनका डेमो लिया है जाकर, तो यार वो डेमो मैंने 5 चीज़ों का डेमो लिया है अगर, तो 5 चीज़ों के डेमो में मैं मोस्टली हद से हद किसी भी शोरूम के अंदर एक चीज़ के ऊपर 2 या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकता। तो इस 2 या 3 मिनट के अंदर मैं उसके बारे में पूरा कॉन्फिडेंटली आपको कभी भी नहीं बता सकता कि वो चीज़ कैसी है। उसके लिए जो चीज़, अब मुझे कई बंदों के मैसेज आप करते हैं लोग कि भैया इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं वो नहीं बनाता हूँ। उसका रीज़न भी यही होता है कि जब तक मैंने खुद को ही उसे व्यूज़ ही नहीं किया, मेरे को पता ही नहीं उसके बारे में, तो मैं उसकी वीडियो क्यों बनाऊं या क्यों आपको मैं बिना मतलब की चीज़ें जो उनसे वो बताना शुरू कर दूं। अरे जी सर, आई फाउंड अमरांस 4320 2013-10,000, इट्स अ गुड डील। 4320 सर पुराना मॉडल है ये, काफ़ी इसमें मेरे ख्याल से HDMI वगैरह भी नहीं होगी शायद। बाकी अब अगर आपको HDMI वगैरह की नहीं है ज़रूरत तो आप बिल्कुल ले सकते हो 10,000 रुपये में, तो ठीक है, 10,000 रुपये मिलता भी क्या है वैसे। बाकी लेने से पहले चेक कर लीजिएगा एक क्या है, बंदे का भी थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि बंदे बंदे का भी फ़र्क होता है, फिजिकल फैक्टर। बिल्कुल नितेश जी बिल्कुल, वो है ना ये जो देखिए जो सच है, मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ सच्चाई जो मुझे लगता है, बाकी हो सकता है मैं गलत हूँ कहीं पर, बट मेरी जो सोच है वो यही है। भाई आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया लगा, जानकारी से भरपूर था। थैंक यू अजीत जी, थैंक यू वेरी मच अजीत कुमार, थैंक्स को बिल्कुल थैंक्स।
नितेश जी चोर है साले। सर किसको चोर बना रहे हो? माई रिक्वायरमेंट इज डेनन 1600H 7.2 डॉल्बी एटमोस हाइट वर्चुअल। सर इतनी डिटेल क्यों लिख रहे हो? बस ये लिख दिया करो कि मॉडल कौन सा है एंड 3D 4K अपस्केलिंग विद 5.1 स्पीकर। मतलब कि मेनली आपको 1600 चाहिए 5 चैनल के 5.1 स्पीकर्स के साथ। ओके सोमजीत जी, नया चाहिए कि यूज में की बात कर रहे हैं आप यहाँ पर? अगर तो नया चाहते हैं आप तो 1600 जो है वो नया अवेलेबल है, ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं या किसी शोरूम पे जाके भी ले सकते हो। 5 स्पीकर्स का सेट अगर आपने जो लेना है तो उसमें बजट के हिसाब से आप अगर जाते हो तो अपना आपका क्या बजट है मुझे नहीं पता, तो उसमें आप सिनेमा सीरीज है इसकी इलेक्ट की, सिनेमा 5 है, सिनेमा 10 आता है तो आप उसके साथ भी इन्हें मैच कर सकते हो, तो इसकी मैचिंग भी जो है वो भी ठीक है। एक्चुअली आई वॉन्ट स्टीरियो एम्पलीफायर। तो अयान जी तो स्टीरियो चाहिए तो फिर स्टीरियो की तरफ ही जाओ ना। ये आपने मॉडल जो सर लिखा है मुझे, ये स्टीरियो लिखा है आपने SR तो आई थिंक 4320। ये स्टीरियो तो नहीं है मेरे ख्याल से यार अयान जी। अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर नहीं देने वाला कोई जो। अच्छे ब्लूटूथ स्पीकर नहीं देने वाले को चोर बना रहा। ओके ओके सर ओके ओके नितेश जी, अब समझ गया मैं आपकी बात। नहीं अच्छे स्पीकर हैं सर, बहुत है। देखो अब एक्चुअल में ना बात आ जाती है देखो हर चीज़ के अंदर ना बजट की। अभी हम सारे जो से ज़्यादातर जितने बंदे होते हैं हम सारे ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले बंदे हैं, काम धंधे वाले, छोटे मोटे काम जो कर रहे हैं हम सब वही होते हैं। तो ऐसे में जो बहुत महंगी चीज़ें हैं उसकी तरफ तो देखिए हम नहीं जा पाते हैं। अब एक ब्लूटूथ स्पीकर के लिए अगर मुझे कोई कहता है कि 1,00,000 रुपये खर्च करो तो मैं तो ज़िंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता कि एक ब्लूटूथ स्पीकर के लिए मैं 1,00,000 रुपये खर्चूँ। मगर 1,00,000 के अंदर जो ब्लूटूथ स्पीकर है वो भाई साहब ऐसा आता है कि क्या बताऊँ मैं यार उसके बारे में आपको, इतना ज़बरदस्त। मतलब कि उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, पता नहीं पैंथम मॉडल आता है उसमें, पैंथम गोल्ड होता है, सिल्वर आता है, वो डी से कुछ नाम है उस कंपनी का, तो मैं ध्यान में नहीं आ रहा मेरे क्या नाम है। कनकेश जी हो आप लाइन पे तो यार वो क्या नाम है उसका, ब्लूटूथ कंपनी का बताना जरा, जो वाइट वाले जो उसके आते हैं क्या था, पता नहीं डी से कुछ नाम था यार मेरे को याद ही नहीं आ रहा। तो वो है, वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है वैसे, वो 2,250,000 रुपये का ब्लूटूथ स्पीकर है। मगर आपने अगर वो एक बार सुन लिया ना तो आप कहोगे यार ये सबवूफर लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं होती, हम क्यों लगाए, हम तो यही लेके रख लेते हैं। बट वो उस बजट ऐसा है कि हम वहाँ तक नहीं जा सकते। तो नॉर्मली रेंज के अंदर अगर हम बात करते हैं अच्छे ब्लूटूथ स्पीकर की तो यार बॉस के भी हैं, जो उनसे बॉस के जो मिनी ये आते हैं छोटे वाले, क्या कहते हैं मिनी साउंड कुछ होता है ना, क्या साउंड बार, नहीं साउंड बार नहीं यार, वो छोटे छोटे से आते हैं यार, उसके मॉडल मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। तो वो है जो उनसे, वो मैं पर्सनली खुद भी मैं उसी को यूज़ करता हूँ, तो वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा है, वो फर्स्ट क्लास काम कर देता है वो। हाँ तो सोमजी जी वही है, इसमें आप ना 80,000 के अंदर आप इलेक का ले सकते हैं, 1600 के साथ में इलेक का पैकेज आपको मिल जाएगा सिनेमा 5 का। X1400 भी चलेगा, पुराना भी ओके, बस तो वर्चुअल नहीं है तो यहाँ X1500। चलिए सर देखिए, ढूंढते रहिए सोमजी जी, अगर आपको पुराना कोई मिल जाता है तो। बाकी अभी मेरे पास तो है नहीं, पुराने में तो ये नहीं मिलेंगे, एटमॉस में तो ऑन क्योंकि पुराने होंगे मेरे पास, बट वो हाई एंड मॉडल होंगे सारी, तो कभी आ जाएगा तो एक अलग चीज़ है। मनीष पाटिल जी इज LG साउंड बार वर्थ बाइंग अराउंड 18। मनीष जी देखिए, साउंड बार आप अगर ले रहे हैं एक होम थिएटर को दिमाग में डाल के कि आपको उसके अंदर होम थिएटर की परफॉर्मेंस मिलेगी, तो यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल गलत है। 18,000 क्या आप 18,00,000 रुपये भी खर्च लीजिए, साउंड बार के अंदर कभी भी आपको प्रॉपर होम थिएटर वाली परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको परफॉर्मेंस चाहिए होम थिएटर की और साउंड बार लगा के, तो वो नहीं आएगी। अगर आपके पास जगह नहीं है साउंड बार की, सॉरी होम थिएटर लगाने की, या आप वायरिंग वगैरह से बच रहे हैं या उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह से बचना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं साउंड बार के अंदर। तो अभी ये जो मॉडल आपने पूछा है, मॉडल के बारे में मैं कोई जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि मुझे भी नहीं पता इस मॉडल के बारे में, क्योंकि मेरी साउंड बॉक्स वगैरह में मेरा डीलिंग नहीं है, होती है कम ही होती है। तो आप एक बार रिव्यूज़ वगैरह चेक करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा वैसे। ओके मैं कॉल करूँगा आपको रिगार्डिंग ऑन क्यू एवीआर।
बिल्कुल ठीक ठीक है सोमजीत जी, बिल्कुल कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं। बाकी यार वो इंस्टाग्राम पर फॉलो जिससे नहीं किया यार, वहां पर भी फॉलो कर लो। SR 4320 स्टीरियो ही है, स्टीरियो ही है। ओके ओके ओके, यस यस, ठीक 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 है सर, स्टीरियो ही है भाई। ये किसने पूछा था भी, एक बार जरा देखना पड़ेगा मुझे। एक्चुअली आई वांट स्टीरियो एम्पलीफायर, आयान जी। ओके ओके सर, कहानी आ गई समझ सारी मुझे। आयान जी, ये जो सा आप मॉडल अभी बता रहे हो, ये पुरानी दिल्ली के अंदर पड़ा हुआ है, ये क्या नाम है जगह का, वो भागनपुर, नहीं भागनपुर नहीं, भागनापुर चला क्या था, पर ऐसा कुछ नाम है जगह का, बी से कोई नाम है। वहां पर ये एम्पलीफायर है किसी के पास में, मिस्टर कादिर, कादिर है, कादिर के पास ये वाला एम्पलीफायर पड़ा हुआ है, जो साहब जिसकी बात कर रहे हो, शायद शायद ये वही वाला एम्पलीफायर है। अगर आप हो अभी कनेक्टेड हो तो प्लीज़ एक बार बता दीजिएगा कि मैं ठीक हूँ या गलत हूँ मैं यहाँ पर। SR सीरीज वैसे जो सी है यार, वो आई तो उसी में थी, होम थिएटर्स में ही थी, तो ये मॉडल समझ तो गया मैं, ये कौन सा मॉडल है ये। वैसे रिपीस भी आई थिंक से, जो आप जिसके बारे में ये भाई बात कर रहे थे अभी आयान जी, तो ये वही वाले ही है वैसे। नहीं भागीरथपुर नहीं है, कुछ और पूरा, कुछ और भजनपुरा है सर, भजनपुरा, हाँ भजन भजनपुरा है उसका नाम, जगह का नाम भजनपुरा है, और बंदा जो है वो कादिर का, कादिर नाम से आई थिंक क्या वो ही है, वो जानता ही उनको तो ऐसे में। नरेंद्र अमित जी, ये सोनी ने AMP स्पीकर, सर जी नरेंद्र जी, अब बंद जोन से देखिए कर दिया, तो टेक्नोलॉजी कभी भी एक जगह पर आकर रुकती तो है नहीं, हमेशा उसमें धीरे धीरे करके टाइम के साथ साथ चेंज हमेशा ही आता ही रहेगा उसके अंदर। प्लीज सजेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर, मनीष जी ब्लूटूथ स्पीकर्स के अंदर देखिए, नॉर्मल रेंज के अंदर अगर हम जाते हैं तो JBL है, इन्फिनिटी है, बॉस है, एंड इसके अलावा और आप किस पे जा सकते हो, डेनन के आते हैं, डेनन के हैं, डेनन मिल जाएगा आपको, डेनन के अंदर आते हैं, अच्छे होते हैं वो भी, B&O है, BMW है, काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस हैं आपके, अगर आप अपने बजट के हिसाब से एक बार देखें ट्यूब एम्पलीफायर कौन सा बढ़िया होगा। सर ट्यूब एम्पलीफायर नवीन जी बजट के हिसाब पर बताइए, बजट क्या है आपका, उस बजट के हिसाब से बताता हूँ कि आपको कौन सा अच्छा है। क्योंकि ट्यूब एम्पलीफायर अगर हम नए में भी बात करते हैं तो 15-16 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है आना, और तकरीबन तकरीबन कोई 35 या 40 लाख तक के, जब जहाँ तक के मतलब कि मुझे पता है, मैंने देखे है जो उनसे, तो वहाँ तक के भी आते हैं। ऑडियो इंजन B2+, सर ऑडियो इंजन B2+ तो वो होता है अपना ब्लूटूथ वाला, वो क्या कहते हैं उसको, ब्लूटूथ रिसीवर होता है मेरे ख्याल से B2+। तो बजट फॉर ट्यूब 20K, सर 20K के अंदर वो चाइनीज वाले ब्लूटूथ ही आते हैं, वो उसके नोब साउंड वगैरह है, जैसे नोब साउंड है और इसी टाइप से कंपनीज हो रहे हैं उसमें आते हैं, जो चाइनीज ही होते हैं एक्चुअली, वो बने तो सारे एक ही जगह होते हैं, वो ब्रांड अपना अपना सबने अलग अलग लगा लिया होता है। आई हैव मरांड्स बट आई वॉन्ट स्टार्ट विथ ट्यूब एम्पलीफायर। ओके तो स्पीकर्स कौन से हैं सर आपके पास में, नवीन जी स्पीकर्स कौन से हैं आपके, ये पायनियर के सीधे साउंड और सेंटर स्पीकर कैसे हैं, 100 वाट 8 ओम्स। नरेंद्र जी मुझे ऐसे मॉडल से याद नहीं है ये, एक्चुअली में ये जो चीज़ें हैं ये पायनियर वगैरह वाली है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली बिकने वाली चीज़ें नहीं होती जो सी की माइंड में रहे, जैसे कुछ कंपनीज है जैसे डेनन है, डेनन के मोस्टली मॉडल जो सी है वो दिमाग में होते हैं, ओनक्यो के होते हैं, नेट है उसके रह गए, एंड इस टाइप की जो सी कंपनीज होती है ना ये सारी आती हैं, क्योंकि ये
काफी बार हाथों से निकल चुकी होती हैं चीजें, बट ये पायनियर वगैरह हो गया या ये, अरे इसके बारे में ज्यादा नहीं आता मेरे पास, काम वाम भी नहीं कोई खास नहीं होता इनका, तो इसलिए मेरे को ऐसे याद नहीं होता है। बट स्पीकर 100 वाट 8 ओम्स के हैं तो ये ठीक ही होते हैं स्पीकर, बाकी आप देखेंगे तो पता लगेगा उसका। सर PB 1000 आई थिंक बेटर रहेगा वैसे, क्योंकि जहाँ तक मैंने इसका रिस्पांस देखा है तो वैसे तो दोनों ही कंपनीज देखी अच्छी हैं, डाली के भी बहुत बढ़िया ही होते हैं। आप कोई ट्यूब एम सेल करते हैं या कोई सर? करते भी हैं सेल हम, और यहाँ पर इंडिया के अंदर भी हमारे एक दोस्त हैं, कह लीजिए दोस्त तो नहीं वैसे, तो वो बहुत बड़े हैं उम्र में मेरे से, तो वो भी हैं, तो वो ट्यूब एम्पलीफायर्स बनाते हैं। वो इंडिया के अंदर बहुत सी जगह अच्छी जो है स्पीकर्स वगैरह के साथ में उनके ट्यूब एम्प्स वगैरह लगते हैं। बट आपका जो सर, माफी चाहूँगा, जो बजट है उस बजट के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको ट्यूब एम्प्स के अंदर, वो चाइनीज़ को छोड़कर, जो से छोटे चाइनीज आते हैं उन्हें छोड़कर। अगर तो एक सिर्फ शौकिया तौर पर आपने ट्यूब एम्पलीफायर लेना है तो देखिए अलग बात है, अगर एक अच्छा एम्पलीफायर आप लेना चाहते हैं कि हाँ आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस भी मिले उसमें, तो सर 25-30 हज़ार 40 हज़ार के अंदर कोई ट्यूब एम्प आपको ढंग का नहीं आएगा मिलेगा उसमें। गणेश ताजी W5 8 कहाँ चले गए? विल्सन ऑडियो टाइनी टोन आई वाज सीन ऑन फेसबुक यूज क्रूशियल स्पीकर्स पेयर टेल मी द प्राइस। गणेश जी उसमें आपको बुकशेल्फ चाहिए ना सर? 1,10,000 कॉस्ट है बुकशेल्फ स्पीकर्स की उसकी, विल्सन ऑडियो के सर, ब्लैक कलर में अवेलेबल है। सर नवीन जी देखो उनकी जो सी स्टार्टिंग जो सी उनकी है वो तकरीबन कोई 1 या 1.5 लाख रुपए, 1 लाख तो एटलीस्ट आप लगा के चलिए, ये 1 लाख तक की तो उनको उनकी स्टार्टिंग रेंज स्टार्ट होता है जहाँ से, तो इसमें आपको कोई मेरे ख्याल से कोई 10 वाट के आसपास की पावर मिलेगी। और ब्रिटिश ट्यूब्स यूज़ होती हैं यहाँ पर, कैबिनेट जो सी है वो लकड़ी में बनता है, ये पूरा लकड़ी का बनाया जाता है, फिनिशिंग के लिए भी अच्छे हैं, मतलब एम्प अच्छे होते हैं, उनके परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह पे मैंने वो लगाए भी हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे स्पीकर्स तो चलिए आपके भी ठीक है, बट जो आप सबवूफर बता रहे हो तो सबवूफर का तो उसमें कोई काम है नहीं उसके साथ में, क्योंकि स्टीरियो एम्पलीफायर अगर आप लगा रहे हो तो उसमें डायरेक्ट आपके स्पीकर्स ही लगने हैं, आपका सबवूफर तो लगेगा नहीं वहाँ पर, तो डाली ही चला सकते हो आप उसके ऊपर सिर्फ। बाकी किस वजह से ट्यूब्स में जाना चाह रहे हो यार, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, देखिए क्यों जा रहे हो, पहले आप थोड़ा सा मेरे को ये बताइए कि आप क्या सोच के सॉलिड स्टेट से ट्यूब की तरफ मूव हो रहे हो, किस वजह से, क्या चाहिए आपको जो आपको यहाँ नहीं मिल रहा आप उस तरफ जा रहे हो? बाकी भाई लोगों कोई भी नया व्यक्ति जुड़ा हुआ है साथ में जो पहली बार इस चैनल पर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना, और बस फिलहाल इतना कर लेना, बाकी का काम बाद में बता दूंगा। हाँ जी अंडरस्टैंड थैंक्स, आई हैव ऑलवेज बीन इन सॉलिड स्टेट, आई वांट टू एक्सपीरियंस ट्यूब। तो नवीन जी आप देखिए अगर तो अपने एक्सपीरियंस के लिए 1.5-2 लाख रुपए खर्च सकते हैं तब तो देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, नॉर्मली मैं मना ही करूंगा कि आपको ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ स्टेज हमारी है जो ऐसी होती हैं जिसके अंदर अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा, वहां पर सस्ते में आपका काम नहीं चल सकता। जैसा कि टर्न टेबल है, अगर आप रिकॉर्ड प्लेयर के शौकीन हैं, रिकॉर्ड सुनना पसंद करते हैं, तो रिकॉर्ड्स के अंदर अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए साथ में, एक तो होता है शौकिया तौर पे, तो उसमें आप जो नई 5-7 हज़ार रुपये में 10 हज़ार में 15 हज़ार में भी टर्न टेबल्स आती हैं आप वो ले लीजिए, शौक पूरा करना है अगर आपने कि एक पड़ी हुई है उसको घूमते हुए दिख रहे हो, या कोई घर पे आता है कोई गैदरिंग हो रही है कुछ है वो देख रहा है तो ठीक है, अगर आप परफॉर्मेंस चाहते हो तो उसमें 50-60 हज़ार रुपये के अंदर आपका काम नहीं बन सकता कभी भी। टर्न टेबल आपको अलग से मिलेगी, उसमें आपको 30-35 हज़ार रुपये की कार्ट्रेज भी लगानी पड़ेगी बाद में, और आपके जो से रिकॉर्ड्स हैं
वो भी बिल्कुल साफ होनी चाहिए। यानी कि टोटल जो सा है वो मेरा मतलब है कि पैसा आपको वहाँ इन्वेस्टमेंट करने पड़ता है एज इट इज, ऐसे ही ट्यूब एम्पलीफायर के साथ भी है। विच प्रोडक्ट्स गुड साउंड एच डी आर आई और ऑप्टिकल विच मनीष जी, एआरसी और ऑप्टिकल की जो साउंड क्वालिटी है वो तो देखिए दोनों की ही सेम होती है, क्वालिटी के अंदर फर्क नहीं होता है। मगर अभी मैंने आपका पूरा कमेंट पढ़ा नहीं है तो मैं पहले आपको ये इसी का सिर्फ आपको दे रहा हूँ, आंसर दे रहा हूँ पहली लाइन का ये भी। तो उसमें क्वालिटी एज इट इज रहती है, मगर जो हमारा ऑप्टिकल है वो कुछ फॉर्मेट्स को ही सपोर्ट करता है, बाकी के फॉर्मेट्स को वो डीकोड डाउनग्रेड कर आगे ट्रांसफर कर देता है, यानी स्टूडियो के अंदर भेज देता है। ARC जो सा है उसमें कुछ फॉर्मेट जो से हैं वो ज़्यादा सपोर्ट होते हैं, बट प्रॉपरली सारे फॉर्मेट जो से हैं वो ये भी सपोर्ट नहीं करता। उसके लिए फिर EARC जो सा है वो आ गया था कि जो सा सभी फॉर्मेट्स को भी सपोर्ट करता था। अभी मैं आपका कमेंट आगे पढ़ रहा हूँ। आई नो दैट DTS साउंड कैन नॉट बी ट्रांसफर थ्रॉट HDMI केबल तो अच्छा सर, ये मैंने पढ़ा नहीं पहले आपका, मगर आपने खुद ही बता ही दिया। चलिए बट अदर देन तो सर साउंड के अंदर कोई देखिए दोनों में मनीष जी कोई वो नहीं है, फर्क नहीं होता, साउंड दोनों में आपको पूरा प्रॉपरली मिलता है। केबल अच्छी होनी चाहिए देखिए आपकी, तो आपको सब कुछ सही मिलेगा। हाँ जी बट आई नीड परफॉर्मेंस। तो नवीन जी परफॉर्मेंस चाहिए आपको तो आप अभी मत लीजिए कुछ भी ऐसा, बजट अपना पहले मेंटेन कर लीजिए तो उसके बाद ही कुछ भी करने का फैसला करिएगा। बाकी थैंक्स की जरूरत नहीं है नवीन जी, सिर्फ चैनल को अपने जानकारों के साथ एंड अपने फेसबुक पे आपका जो भी अकाउंट है या कोई ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं उस पर शेयर कर दीजिएगा, बस यही सबसे बड़ा तरीका है मेरा मुझे सपोर्ट करने का। ओके थैंक यू नवीन जी। बिल्कुल व्हीलचेयर इंडिया ये सब डिस्कस किया था। थैंक यू वेरी मच नवीन जी। यार ये सन्नाटा जोन सा है ना ये मेरे को बड़ा गंदा लगता है यार, एकदम से इतनी अच्छी अच्छी बातचीत हो रही होती है ना, मतलब मेरा ऐसा है ना मेरा क्या, मैं बोलता रहूँ ना तो सही रहता हूँ, जहाँ बोलना मेरा बंद हो जाता है ना तो मेरे को बड़ा ना अजीब अजीब सी फिर फीलिंग सी शुरू हो जाती है, तो इसलिए मेरे को बुलवाते रहा करो यार। नहीं ऐसा नहीं है सर, मिलते हैं बिल्कुल आते हैं। इंडियन सॉकेट में इन केस अगर आपको नहीं भी आ रहे हैं वो सॉकेट, खाली सॉकेट का ही फर्क अगर है उसमें तो आप उसमें आगे कन्वर्टर लगा सकते हो। What you will suggest for my sister? Sir, नवीन जी इसमें देखिए कैस्ट्रल है, कैस्ट्रल आता है, कैस्ट्रल के काफ़ी अच्छे हैं, मैंने पर्सनली भी जो मैं पहले यूज़ कर रहा था, अभी तो मेरे पास खुद के पास भी नहीं है, वो भी सेल हो गया था, मैं दे दिया था यार कोई क्लाइंट ले गया था वो, तो कैस्ट्रल के थे मेरे पास दो थे तो काफ़ी मतलब अच्छे मुझे वो लग रहे थे कैस्ट्रल में तो, बट पता नहीं अभी वो इंडिया में मिलते हैं नहीं मिलते क्योंकि मेरे जो आए थे वो ऑस्ट्रेलिया से ही आए थे, तो मैं एक बार ही चेक करूँगा, अगर कोई पॉसिबिलिटी होगी उसकी तो आपको ज़रूर बताऊँगा। गणेश दाजी विल्सन ऑडियो टैनी डाइनी डॉट के बारे में कुछ बताएं। गणेश जी क्या जानना चाहते हैं सर आप ये बताइए, फिर मैं आपको वही चीज़ समझाता हूँ उसके बारे में बताता हूँ सॉरी कि क्या जानना चाहते हैं आप।
आशु जी सर कोई ऐसा एम्पलीफायर बताएं जिसमें चार चैनल हो और पर चैनल 100 वाट में 12 इंच के चार स्पीकर्स लग जाए। तो आशु जी 5 चैनल का एम्पलीफायर ले लीजिए, आप कोई भी AVR ले लीजिए, उसे स्टीरियो मोड के अंदर चलाइए तो आपको सब पे वोल्टेज जो है वो भी मिल जाएगी। बाकी 12 इंच जो आप चलाने की कह रहे हो तो 12 इंच चलाओ या 15 इंच चलाओ, उसकी जो इम्पीडेंस होगा इम्पीडेंस को सिर्फ आप चेक कर लीजिएगा कि आपका जो भी एम्पलीफायर आप लेते हैं तो उस पर वो सपोर्ट करता है उसे या नहीं करता है। क्योंकि चार एम्पलीफायर, चार चैनल का एम्पलीफायर ऐसे कोई भी नहीं आता है, किसी कंपनी का नहीं आता है। वो ए का और बी का अलग अलग होता है, बट उसमें अगर वो 100 वाट का एम्प है तो आप बी सेक्शन भी उसका जब चलाते हो तो वो 50 वाट में बढ़ जाता है, आपस में आधा हो जाता है मतलब। मनीष जी डू यू मेक होम थिएटर्स सर जी एंड व्हाट इज वेल बेस्ट मिनिमम प्राइस? सर आपका होम थिएटर से मतलब क्या है पहले आप ये बता दीजिए। होम थिएटर रूम की बात कर रहे हैं मनीष जी आप, या होम थिएटर किसे कह रहे हैं आप यहाँ पर? सो पावर कंडीशनर और प्योर स्नेल यूपीएस प्रोटेक्शन। सर कंडीशनर तो देखिए अलग चीज़ होती है, मगर जो आपका प्रोटेक्टर है जो सा यूपीएस होता है वो एक अलग चीज़ है। यूपीएस का तो काम हमारा जो है वो ये है कि पीछे से अगर बिजली कटती है या फ्लक्चुएट होती है तो हमारे आगे जो इक्विपमेंट्स है वहां पर वो बिजली का असर ना आए, वो उसको मेंटेन करके सप्लाई को पास कर दे। बट जो हमारे कंडीशनर्स होते हैं उसका काम होता है कि जो करंट पीछे से हमारा आ रहा है उस करंट को प्योरीफाई करना, उसको साफ करके उसको प्योर करके हमारे इक्विपमेंट्स के अंदर भेजना उसे। तो दोनों का काम जो है वो दोनों का अलग अलग होता है। फैशन डायरेक्टरी जी ये क्या है मोयन मोन मौन करना सीख लीजिए, मौन करना सीख लीजिए अच्छा है। और सर बहुत मुश्किल काम है मगर वो मेरे लिए। नवीन जी फिर से थैंक्स कर रहे हैं यार, थैंक्स मत बोलो, बस वीडियो को चैनल को शेयर करते रहो बस। आशु जी ओके थैंक यू, आशु जी थैंक्स की जरूरत नहीं है यहाँ पर, बस आप चैनल को आगे रिकमेंड करिए, आगे शेयर कर दीजिए तो बहुत बड़ी हेल्प होगी ये ही एक मेरे लिए। मनीष जी कर रहे हैं रूम के बारे में बात, तो ठीक है तो मनीष जी हाँ जी बिल्कुल करते हैं, पूरा रूम भी तैयार करते हैं, अलग अलग हिसाब होता है उसका। एकोस्टिक अगर आप खाली करवाते हैं तो तकरीबन 200 से लेके 300 तक का बजट हम लेके चलिए पर स्क्वेयर फुट के हिसाब से। बाकी काम पे डिपेंड करता है कि आपने क्या क्या करवाना है उसमें, तो पैसा जो है वो उसी हिसाब से लगेगा सारा। भाई कुछ टॉपिक ले लिया करो जब आप फ्री हो जाते हो, जैसे कि ब्रांड की हिस्ट्री। हाँ अजीत जी ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, ये तो अकेला बैठता हूँ ना मेरे को तो कुछ कुछ होने लग जाता है। 14x12 मेरा रूम है, तो मनीष जी वही मैंने आपसे बताया कि अलग अलग हिसाब होता है। देखिए अगर आप खाली एकूस्टिक करवा रहे हैं तो जो हमारा वॉल ट्रीटमेंट होता है वो तकरीबन तकरीबन 200-250 एवरेजली बता रहा हूँ आपको, बाकी इससे ऊपर भी होता है तो इससे नीचे भी हो जाता है। बट जो एक मिड लेवल का काम है वो तकरीबन 200-250 स्क्वेयर फीट के हिसाब से होता है, जिसमें हमारा वॉल्स का ट्रीटमेंट आता है। बाकी उसके बाद में कई चीज़ें और इंक्लूडेड होती हैं, अगर आप उसमें फ्लोरिंग जोड़ते हैं तो उसके पैसे लगते हैं, सीलिंग के अंदर अगर आपका काम आ रहा है तो उसका जो सा चार्जेस है वो अलग लगता है। तो आपका जो टोटल जो सा काम है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर क्या होना है। बाकी कुछ आपके रूम के एकूस्टिक जो नेचुरल एकूस्टिक हमारा होता है, या सॉरी एकूस्टिक नहीं जो आपका नेचुरल एटमोसफियर होता है, कई बार उसके अंदर बहुत सी ऐसी कमियां आ जाती हैं जिसकी वजह से एकूस्टिक करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, या फिर जो मटेरियल यूज़ करना पड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा मटेरियल मतलब यूज़ करना पड़ जाता है, या फिर काफ़ी कम करना, तो उस कंडीशन में भी कभी कभी फ़र्क मिल जाता है हमें। प्रॉपरली सॉफ्टवेयर के साथ जिसे हम करते हैं वो वाला काम नहीं करते कि एक कमरा है चलो ठीक है यहाँ पर भी फॉर्म लगा दो, यहाँ पर ये लगा दो, वहाँ पर वो लगाओ, ऊपर से ढक दो उसको, चलो काम खत्म, तो वो वाला काम नहीं है। प्रॉपरली पूरा सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है, उसकी वीडियो भी मैं बना चुका हूँ पहले, अगर आपने ना देखी हो तो आप देख सकते हो, वहाँ पर ऑडेन सॉफ्टवेयर है उसके जरिए हम ये सारा काम करते हैं। बेस्ट साउंड बार इन 15 के रेंज, देवज्योति जी इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है देखिए पहले, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप चैनल में जाकर साउंड बार वाली वीडियो को देख लीजिए, तो उसके अंदर आपको कुछ ऐसी साउंड बार्स मिल जाएंगी जो आपके इसी रेंज के अंदर आ जाएंगी, और उनमें क्या कमी है या उनकी क्या खासियत है या उसके जो भी स्पेसिफिकेशन है वो ऑलरेडी मैंने वहाँ बताई हुई है।
तो प्लीज़ आप एक बार ही वो वाली वीडियो चेक कर लेंगे तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। पीछे का कोई कमेंट तो नहीं छूटा भाई किसी का, पहले वो चेक कर लें जरा। सर तो क्या 1 लाख बजट जाएगा? 14/12 तो मनीष जी मेरे हिसाब से 14/12 से के कमरे के हिसाब से 14/12 मनीष जी हाइट कितनी होगी कमरे की आपकी थोड़ा बता दीजिए प्लीज। एक्चुअली थोड़ा सा देखिए ये भी है कि हाइट क्या है आपके कमरे की, वो भी डिपेंड करता है। आपकी जो छत है उस पर क्या हो रखा है, वो प्लेन है बिल्कुल, उसका भी फर्क आता है। फ्लोरिंग आपके जो फर्श है आपका वहाँ पर क्या है, दीवारें जो सी है उस पर क्या है, ऑलरेडी क्या हो रखा है, मतलब कि नॉर्मली सफ़ेदी हो रखी है, टाइल्स लगी हुई है, या कुछ आपने और कुछ करवा रखा है उसका, तो काफ़ी सारे मतलब ऑप्शन आ जाते हैं। बट जो कमरे का आपका साइज है मरीज जी, उस हिसाब से 1 लाख के अंदर भी हम कर तो सकते हैं, मगर सर वहाँ पर सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं होगा, वहाँ पर हमारी थोड़ी सी जो भी नॉलेज कह लीजिए या फिर एक्सपीरियंस कह लीजिए, तो उसी के हिसाब से हमें वो आगे काम करना पड़ेगा उसमें। हो वो 1 लाख में भी जाएगा और होगा भी अच्छा ही, ऐसा नहीं है कि कमी महसूस होगी आपको वहाँ पर या कुछ होगा या देखने में अच्छा नहीं लगेगा या फिर जो उसका काम है अपना काम वो सही नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं होगा। बट यह है कि थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे तो हमें करना ही पड़ेगा अगर हम सस्ते में जाते हैं। टाइल्स ऑन द फ्लोर, तो सर नीचे अगर आपकी टाइल्स लगी हुई हैं तो उसमें देखिए या तो आपको वुडन फ्लोरिंग करवानी पड़ेगी या फिर आपको कारपेटिंग करवानी पड़ेगी उसकी, क्योंकि टाइल्स से बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन मिलेगी तो वो भी हमारे सिस्टम हमारे साउंड के लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो वुडन फ्लोरिंग भी अगर करवाते हैं वो भी चलो ज़्यादा खर्चे वाली बात नहीं है, 10-15 हज़ार रुपये में आपके रूम के हिसाब से 10-15 हज़ार रुपये लगेंगे, तो उसमें वुडन फ्लोरिंग जो कि देखने में भी अच्छी लगेगी और अपना काम भी करेगी। या फिर अगर आप कारपेट बिछवाना चाहते हैं तो कारपेट भी बिछ सकते हैं वहाँ पर, कारपेट लग जाएंगे वहाँ पर। कारपेट में बस ये प्रॉब्लम होती है कि उसको साफ़ करना मुश्किल हो जाता है, और अगर आपने वैसे फ्लोरिंग करवा रखी है तो फ्लोरिंग में तो झाड़ू मारा चलिए बस साफ हो जाता है वो, कारपेट में कुछ ज़्यादा परेशानी आती है। प्रदीप जी सेटिंग तो देखिए अब अच्छी तो रीक्लाइनर लगे तो ज़्यादा बेटर रहता है कि उसका है। अब रीक्लाइनर भी मैन्युअली भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं हमारे ऑटोमेटिक जोन से होते हैं, इलेक्ट्रिकल जोन से होते हैं। तो असली तरीके से अगर बात करें एक थिएटर रूम की तो थिएटर के अंदर वो सबसे ज़्यादा बेटर तो वही है, बट ये नॉर्मली ज़्यादातर जो रूम हम तैयार करते हैं उसमें इशू ये होता है कि उनका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। और अगर आप रीक्लाइनर यूज़ कर रहे हैं तो तकरीबन आपको 3 फीट के आसपास का एरिया तो आपको पीछे के लिए चाहिए होता है, क्योंकि जब आप उससे रीक्लाइनर को खोलेंगे तो पीछे खाली जगह होगी तभी वो पीछे की तरफ जा पाएगा। इतनी एरिया हमारा सामने की तरफ भी होता है जो हमारा नीचे से वो खुलते हैं उसके पैर रखने के लिए खुलेगा, तो मतलब जगह का थोड़ा सा इशू आता है। बाकी रीक्लाइनर लगे तो वो बहुत अच्छा है, आरामदायक भी है, 3 घंटे की मूवी अगर आप देख रहे हैं तो रिलैक्स होकर वहाँ पर देख भी सकते हैं बैठकर वहाँ पर। अगर बजट नहीं है उसका तो आप वहाँ पर थिएटर चेयर्स आती है मूवी लगा सकते हैं, या फिर नॉर्मल चेयर्स आती है वो भी लगा सकते हैं, या फिर आप सोफ़ा वगैरह काउच वगैरह कुछ भी इस तरीके की चीज़ लगा सकते हैं वहाँ पर आप, जो आपके बजट में आ जाए। मनीष जी थैंक यू मत बोलिए, बस चैनल को आगे सजेस्ट कीजिए लोगों में, अपने भाई बहनों में, अपने ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पेज पर, फेसबुक आईडी पर आगे शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। जो जो सवाल
पूछ रहे हैं और उनको उनका जवाब मिलता जा रहा हो अगर। बाकी वो तीनों बंदे आज आए हैं नहीं आए हैं इसमें, जो डिसलाइक करने वाले होते हैं, जो वीडियो को बिना देखे वाले डिसलाइक करते हैं जो उनसे, तो वो तीन आदमी इंसान ऐसे हैं, या हो सकता है कि एक ही बंदा तीन आईडी से करता हो। तो अभी डिसलाइक आ चुके हैं यार, बताएगा कोई ज़रा? क्योंकि यहाँ पर मेरे यहाँ पर डिसलाइक शो नहीं होते, सिर्फ लाइक ही शो होते हैं। जब वीडियो बंद हो जाती है, जब लाइव स्ट्रीम ख़त्म कर देते हैं हम, तो उसके बाद जाकर पता लगता है कि कितने डिसलाइक हैं। यहाँ पर फिलहाल सिर्फ जो उनसे वो लाइक्स ही शो कर रहा होता है। तो उन बंदों ने या उस बंदे ने अपना कर्तव्य पूरा करा है कि नहीं करा? एक आ चुका है, ठीक ठीक है, थैंक यू मनीष जी। अभी दो और आने बाकी है, मतलब कि हमारी फैमिली 6 मेंबर्स की है, तो आइडियल साइज क्या होना चाहिए होम थिएटर का? 6 बंदों की सर फैमिली अगर आपकी है तो, अगर तो देखिए आप वहाँ पर तीन तीन की सीटिंग लगाते हैं, तो अगर आप वहाँ पर दो रो लगा रहे हैं कि एक रो हमारी नीचे की तरफ आ जाती है, एक रो जो है वो ऊपर की तरफ आ जाती है, तो तकरीबन आप लगा लीजिए कोई 20 फीट का भी, अगर आप 20 फीट में आपका जो लंबाई है कमरे की 20 फीट की वो हो, तो तकरीबन 15 फीट से थोड़ा कम भी हो तो भी चल जाएगा वैसे। मतलब एक नॉर्मली बात करें तो 15 से 15 बाय 20 के आसपास का आपका हो तो आपको वहां पर मिल जाएगी उसमें। वन डिसलाइक जी। चलो सर, अभी ये एक आया अभी सर नवीन जी, अभी दो और हैं अभी आएंगे, वो भी आप मोस्टली वीडियोज मेरी देखोगे तो वहां पर आपको तीन तीन डिसलाइक ही मिला करेंगे ज्यादातर। आपका वेबसाइट क्या है सर? मेरी वेबसाइट वेबसाइट कोई नहीं, गरीब बंदा हूँ मैं, देखिए। बाकी आप फेसबुक पर पेज है सिर्फ, वही मेरी वेबसाइट का काम करता है। तो ऑडियो सॉरी RS ऑडियो इंडिया के नाम से पेज है, अगर आपने वहाँ लाइक ना करा हो तो आप कर सकते हो। किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाएं तो वहाँ पर लिंक दिया गया है। बाकी इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। एंड आदित्य जी, आदित्य वाइन्स बेस्ट साउंड सिस्टम अंडर 10,000। आदित्य जी साउंड सिस्टम से मतलब बताओ अपना, स्टीरियो साउंड सिस्टम चाहिए आपको, क्या चीज़ चाहिए आपको? होम थिएटर चाहिए, 5.1 चाहिए, मल्टीमीडिया स्पीकर्स की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? क्योंकि वैसे तो एक जो आपसे पूछ तो लिया मैंने ये बात, बट ये है कि 10,000 से नीचे का मेरे को कुछ भी नहीं पता, फैक्ट बताऊँ तो। ये है कि कुछ चीज़ें आई थिंक मिलती हैं, और बाकी मुझे काफ़ी लोगों ने बोला भी है कि यार कुछ वीडियो जो सी है वो सस्ते वालों पर भी बना दिया करो, जिससे कि डिसाइड करने में हमें आसानी मिल जाए। तो अभी मैं सोच भी रहा था ये कि जैसे 5,000 के आसपास के जो मल्टीमीडिया स्पीकर्स आते हैं, जिन्हें कि होम थिएटर बोलते हैं लोग, तो उनके ऊपर भी एक दो वीडियोस यार बना दी जाएं, कुछ कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह देखकर उनकी, और उनके जो कस्टमर रिव्यूज आते हैं वो देखकर। तो आई विल ट्राई दिस ऑल्सो। यस आई हैव सीन ऑलरेडी। ओके थैंक यू नवीन जी। वो तो वही वेबसाइट देखी अभी तो फिलहाल, तो अभी तो और कोई वेबसाइट वेबसाइट नहीं है मेरे पास। बाकी कोशिश काफ़ी चीज़ों की जारी है, तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे काम चलता रहेगा तो आगे और बढ़ते जाएंगे। कोई मोटा मोटा लिस्ट बना लो प्लीज़। सर किस नवीन जी किस चीज़ के लिए लिस्ट की बात कर रहे हो? क्या लिस्ट बना लो मतलब? यस सर प्लीज़ मेक वीडियो ऑन साउंड सिस्टम अंडर 20,000। बिल्कुल मनीष जी बिल्कुल कोशिश करूँगा। बट 20,000 में सर देखिए वही चीज़ें आ जाती हैं जो कि दूसरी, जैसे सोनी के कुछ मॉडल्स हो गए, फिलिप्स हो गया, या फिर इस टाइप की जो सी कंपनीज हैं, तो उन्हीं को ही लिया जाएगा उसके अंदर में। बट मैं सोच तो रही हूँ कि हाँ ऐसा करा जाए कि 20,000 से नीचे की एक वीडियो है, एक 10,000 से नीचे हो गया, इससे भी नीचे के कुछ लोग होते हैं जिनको डिसाइड करने में प्रॉब्लम आती है कि 5,000 के आसपास के रेंज में हम कौन से स्पीकर्स लें, मतलब इस टाइप से भी मैं सोचा है मैंने करने का। तो उसमें एक्चुअल प्रोडक्ट तो अब मेरे पास होंगे नहीं, तो उसको वैसे ही वीडियो बना सकते हैं सिर्फ उसमें। सो वी कैन आस्क फॉर बेस्ट प्राइस एंड डू सम सेल्स। ओके ब्रो स्पीकर। ओके ओके नवीन जी बिल्कुल सर। तो मैं काम करूंगा नवीन जी, एक लिस्ट तैयार कर लूंगा जिसमें कि अलग अलग मेंशन कर दिया जाएगा कि स्टीरियो एम्पलीफायर्स में ये चीज़ें अवेलेबल हैं,
AVRs के अंदर ये है, टावर स्पीकर ये वाले हैं, सराउंड स्पीकर ये हैं, इस टाइप से फुल पैकेज है। तो इनकी एक लिस्ट हम तैयार कर लेंगे। तो एक हमारा YouTube पर ही कम्युनिटी पेज आता है, एक आपने शायद देखा भी हो, मैं उसमें कई बार पोस्ट डालता हूँ, तो वो पोस्ट जो सा है उसके अंदर हम उसे डाल देंगे लिस्ट को। तो आप वो आपके वहाँ ऑटोमेटिकली जैसे ही आपने सब्सक्राइब कर रही रखा है तो आपको शो कर जाया करेगी, तो वहाँ पर वो डल जाएगी। तो मैं जितना जल्दी हो सकेगा तो एक लिस्ट तैयार कर लूँगा इस टाइप की, जिससे कि आप जैसा कि कह रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम प्लीज़ दे दीजिएगा बस। सचित ऑडियो इज़ अ गुड ब्रांड ऑल्सो, और काफ़ी ज़्यादा है इसमें, मतलब दम है इनका भी इनमें। और कुछ इनके जो डैक्स मैंने देखे हैं, यूज़ किए थे मैंने, तो वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। प्राइस भी जो सा था वो भी काफ़ी रिजनेबल प्राइस था इसका। आई थिंक दो इसके मैंने डैक मंगवाए थे, एक था मोती, एक तो मोदी के नाम से आता है और एक और होता है उसका मुझे नाम याद नहीं है, मतलब वो एक्चुअली तीन का सेट था पूरा, एक उसमें डैक था, एक उसमें हेडफोन एम्पलीफायर था, एक उसके अंदर और क्या था, एक चीज़ और थी कोई, तो वो तीन पीस के अंदर था, सिल्वर कलर का कॉम्पैक्ट सा साइज़ था। तो ये तीनों का मैंने जो है पे किया था, आई थिंक शिपिंग वगैरह सब कुछ मिलाकर कुछ 22,000 या 23,000 रुपये के आसपास मुझे ये पड़ी थी तीनों चीज़ें। कंडीशन भी काफ़ी अच्छी मिल गई थी इसकी, और मतलब टोटल कुछ इसी हिसाब से पड़ा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, काफ़ी पुरानी बात है। तो वो भी सस्ता ऐसे पड़ गया था कि उस पर बिट लगी नहीं थी ज़्यादा, तो वो 5-6 बिट्स ही थी उसके ऊपर लगी हुई। तो एंड टाइम जब आया था उसका बिडिंग का जो उनका टाइम आता है, तो उसी टाइम मैंने बिडिंग में बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अपना ऑफर डाल दिया था, तो जिसकी वजह से वो वहाँ पर मेरे को मिल गया था, वो सस्ते में हो गया था। तो वैसे शायद उनकी कीमत एग्जैक्ट अभी क्या होगी मुझे ये तो पता नहीं है। हाँ अच्छा, मगर यार यूज़ करने पर मैंने सही है, मतलब अच्छी थी। पैसों के अंदर मतलब कि अगर बात करें अपना 22-23-25,000 रुपये के अंदर अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ थी जरूर। बाकी डैक अगर आप यूज़ करना चाहें, आप कोई भी बंदा करता है, तो डैक्स में कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि जिन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बेंचमार्क है इसके डैक जो उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं। और इसके अलावा कॉर्ड है, CHORD कॉर्ड कंपनी है जो सी, उसके काफ़ी अच्छे डैक्स आते हैं। इनकी केबल जो सी हैं वो बहुत अच्छी आती हैं। ये मैं जो पर्सनली स्पीकर केबल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कॉर्ड की ही कर रहा हूँ मैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं वो। और इन्हीं का एक एम्पलीफायर भी था मेरे पास में कॉर्ड का ही, उसका मॉडल नंबर था मतलब 5300 था, उसके आगे कुछ तीन वर्ड और थे तो मुझे याद नहीं, PSM PMS ऐसे कुछ करके था वो, 5 चैनल का पावर एम्पलीफायर था वो भी यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा एम्पलीफायर था, और देखने में भी एक बड़ी यूनिक सी लुक थी उसकी। वो मैंने सेल कर दिया था, वो चेन्नई में ही सेल किया था, चेन्नई में गया था वो, तो 3.5 लाख में वो सेल किया था मैंने ब्लैक कलर के अंदर। सिल्वर में भी था वो एक, बट सिल्वर जो सा था वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो मैंने किसी को बताया था कि इसमें ये दिक्कत है, तो एज इट इज़ ही मैंने उसे ऐसे ही सेल कर दिया था, वो सस्ते में दिया था काफ़ी मैंने, क्योंकि मैं रिपेयरिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था उसे। तो कॉर्ड के मतलब कि बेसिकली बात करें तो कॉर्ड इज़ अ वेरी गुड कंपनी ऑल्सो। बाकी बेंचमार्क है, कॉर्ड है, कॉर्ड का मोजो आता है, वो काफ़ी अच्छा है हेडफोन डैक कह सकते हो आप उसको, छोटा सा होता है इतना सा, मगर परफॉर्मेंस देख लोगे उसकी क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है उसमें। कादिर भाई, हेलो अमित भाई, आपका बहुत थैंक्स, मज़ा आ गया, वीडियो बहुत अच्छी थी, थैंक यू कादिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग इसी टाइप से यार बस सजेशन थोड़ा सा देते रहिए कि टॉपिक्स कौन से होते हैं जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, तो धीरे धीरे करके उन टॉपिक्स को भी हम इंक्लूड करते रहेंगे, जैसे जैसे हो सकेगा अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करूँगा मैं। बट और रिसेंटली QA कंसेप्ट 20 एंड CHS में PM6006 एंड SM80। जय किशन जी, बहुत बढ़िया, अच्छी चीज़ ली है आपने। ठीक है सर, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, ये अच्छी हैं सारी चीज़ें, अच्छे मॉडल्स हैं ये।
बताइए सर, क्या बता दें, क्या जानना चाहेंगे आप डेक्स वगैरह के बारे में, स्ट्रीमर्स के बारे में? तो यार स्ट्रीमिंग के लिए अगर आप डिवाइस, आप कोई भी बंदा ढूंढ रहा है या चाहता है, तो एक हमारे कैम्ब्रिज ऑडियो, आपने सुना होगा ना, कैम्ब्रिज ऑडियो के अंदर स्ट्रीमर्स आते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्ट्रीमर्स हैं वो, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी है उनकी, और प्राइस भी कुछ हद तक ठीक कह सकते हैं उसको, मतलब ओवर प्राइसेस नहीं बोल सकते उसको, है तो थोड़े कॉस्टली बट ओवर ओवर प्राइसेस नहीं है, कि वर्थ ही है, जितना पैसा भी कंपनी ले रही है उतनी उसकी वर्थ है। तो कैम्ब्रिज ऑडियो में स्ट्रीमर आ रहा है, आप वो ले सकते हैं। अगर आप एक मीडिया प्लेयर के थ्रू भी स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, तो उसमें पॉपकॉर्न आ जाता है, उसमें आप जा सकते हैं। इनवीडिया का मैंने सुना है काफ़ी अच्छे स्ट्रीमर्स हैं, मैंने यूज़ नहीं किए कभी और ना ही मैंने देखे हैं वो, बट सुना है मैंने कि काफ़ी अच्छे होते हैं इनवीडिया के भी। और इस टाइप से काफ़ी सारी कंपनी हमें मिल जाती है स्ट्रीमिंग के अंदर। डैक्स के अंदर तो आप यही कंपनीज आती है, मोनो, पैरासाउंड है, पैरासाउंड के डैक हैं, एंड कॉर्ड, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, बेंचमार्क बता चुका हूँ मैं आपको, कैम्ब्रिज ऑडियो आता है। रीजनेबल रेंज में अगर आप जाना चाहते हैं तो कैम्ब्रिज ऑडियो का मैजिक डैक आता है, यूज के अंदर वो अवेलेबल भी है, वो मिल सकता है आपको, सिल्वर कलर में अवेलेबल है, 15,000 रुपये, कितने का था वो, 18,000 रुपये में वो आपको मिल सकता है। भाई मार्शल क्या बना है सर अजीत जी, मार्शल के यार कुछ स्पीकर्स है जो से वो लोग तो यही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं विंटेज लुक के अंदर, ये जैसा कि बनाते हैं आपने देखे होंगे। तो मैंने जहाँ तक किसी, अभी एक्चुअली मेरे जीजा जी हैं, उन्होंने भी ये परचेज़ किया था, हालांकि मैं उन्हें बोल रहा था कि आप बॉस का ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है स्पीकर अकॉर्डिंग टू मार्शल, बट उन्होंने उसकी लुक के कारण आई थिंक वो ले लिया था, मार्शल लिया है, बट उसकी जो सी आवाज़ है उससे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं वो। अब वो तकरीबन 45,000 के आसपास का आई थिंक आया था, बट कुछ खास जो सा है उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा बॉस का जो सा मिनी बार आते हैं, जो छोटा सा होता है, जो साउंड साउंड बार बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मेरे को याद नहीं है, तो वो काफ़ी स्लीक सा ही होता है, छोटा सा, तो वो उल्टा ज़्यादा अच्छा है, जिसकी कीमत 18,000 रुपये समथिंग ऐसे कुछ है। तो मार्शल की कई चीज़ें लोग कहते हैं अच्छी हैं, जैसे कि इसके गिटार एम्पलीफायर्स आते हैं वो लोग कहते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, एंड ब्लूटूथ स्पीकर्स भी जो यूज़ करते हैं वो बोलते हैं, बट सबका अपना अपना टेस्ट होता है। भाई अमित भाई, बाइपोलर एंड सिंगल पोल समझ आ रहे, डायपोल का क्या बेनिफिट है? कादिर जी डायपोल में एक्चुअली में ना देखो, ये थोड़ा सा है तो कंफ्यूज होने वाला ही काम है, ये जो है ना आपका जो सवाल है वो बिल्कुल आपने सही करा है, कि डायपोल सॉरी सिंगल पोल और जो से हमारे ये हैं बाइपोल्स हैं, ये तकरीबन तकरीबन बहुत ज़्यादा इजी है इनको समझना, मगर जो से हमारा डायपोल्स हैं इनकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ही होती है। तो इसको अगर शॉर्ट वे में हम लेकर चलते हैं कि एक आसानी से अगर इसे आप समझना चाहते हैं, तो इसमें सिर्फ ये होता है कि एक स्पीकर के अंदर में जो दोनों साइड पर ड्राइवर्स अलग अलग डायरेक्शन दिए गए होते हैं हमें, तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक फोटो भी दिखाई थी जिसमें कि वायरिंग शो हो रही थी, कि एक जो प्लस की वायर आ रही थी वो एक स्पीकर में तो प्लस पे ही जा रही थी, बट दूसरा जो था स्पीकर था उसका, वो उसमें माइनस पर जा रही थी। तो उससे क्या होता है कि एक ड्राइवर जो है वो अलग पोलैरिटी पे काम करता है, एक जो है वो अलग पे करता है, एक स्पीकर जब बाहर जाता है तो दूसरा अंदर आता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब उनकी फ्रिक्वेंसी आपस में टकराती है बाहर की तरफ से, तो जो बीच का एरिया हमारा आ रहा होता है वहां पर वो फ्रिक्वेंसी जो होती है वो कैंसिल हो जाती है। तो इस वजह से, उसके कैंसिल होने की वजह से, हम ये नहीं अनुमान लगा पाते हैं कि स्पीकर जो है वो कहाँ पर है। आपने अगर जैसे कि यहाँ स्पीकर रखा हुआ है, वो हाइड कर दिया है आपने कि वो दिख नहीं रहा, तो कोई भी बंदा जब उसे सुन रहा होगा तो उसे ये तो समझ आ रहा है कि हाँ आवाज जो है वो यहाँ इस तरफ से आ रही है, बट एक्चुअल में वो स्पीकर कहाँ है, मतलब पॉइंट नहीं आप स्पीकर की तरफ कर सकते कि स्पीकर कहाँ पर है। बाकी का जो काम उसका होता है वो सारा जो बाइपोल है उसी के थ्रू होता है। सिर्फ बाइपोल को आप जब सुनते हैं तो आपको पता लग जाता है कि हाँ ये स्पीकर में से आवाज आ रही है, यहाँ से आवाज आ रही है, डायपोल के अंदर ये चीज नहीं आपको पता लगती। तो मोटा मोटा जो फर्क है दोनों में यही होता है, बाकी बाइपोल और डायपोल जो है वो एज इट इज सेम होती है। बाकी यूज की बात करें तो वो आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी यूज कर सकते हो। मुझे भी किसी ने गिफ्ट किया था दिवाली पे समथिंग किल्वर, बट अभी तक मैंने अनपैक नहीं किया। तो सर कब करोगे आप, अगली दिवाली का वेट कर रहे हो क्या आप भी? मेरे को लगता है आपने ऐसे ही रखा हुआ है कि यार ऐसे का ऐसे ही आगे मैं भी किसी को गिफ्ट ही कर दूंगा उसको। किल्वर यही लग रहा है अजीत जी, मुझे आपने भी इसीलिए रख लिया है, जैसे कि मोस्टली
हम सब जो मिडिल क्लास बंदे होते हैं, दिवाली के जो से हमारे पास कोई भी गिफ्ट्स आते हैं या कुछ भी वो आते हैं, तो हम ज़्यादातर तो उनको खोलते नहीं हैं, वहाँ से आता है, यहाँ से दूसरे को दे देते हैं, तो ऐसे ही एक सर्कल घूमता रहता है। तो आई थिंक अजीत जी आप भी यही करने लगे हो शायद, कि अगली बार आप भी किसी को आगे ऐसे का ऐसे ही आगे गिफ्ट कर दोगे। बाकी कोई भैया नया बंदा जुड़ा हो हमारे साथ आज की इस वीडियो के अंदर, या फिर उसने पहले भी कोई चैनल देखा हो मेरा तो उसमें बट सब्सक्राइब ना किया हो, तो सब्सक्राइब चैनल को कर ले यार, कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया हुआ है तो। बाकी थोड़ा सा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है फ्रेंड सबकी, अभी कुछ 600 650 घंटे का वॉच टाइम बाकी चल रहा है, बचा हुआ है अभी, तो यार वीडियो को शेयर वेयर करते रहा करिए, एंड सारी वीडियोस पे उठाकर आपकी थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा आपका, बट ये है कि टारगेट अगर इसका ये पूरा हो जाता है तो चैनल जो है वो वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा, और एक बार वेरीफाई हो जाएगा तो फिर वो टेंशन जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, कि यार ये बंद ना हो जाए या ये ना हो या वो ना हो, तो वो वाली टेंशन जो है थोड़ी सी वो ख़त्म हो जाएगी, फिर हम प्रॉपरली मतलब कि एक ध्यान दे सकेंगे चैनल के ऊपर कि हाँ अब ये चलता ही रहे। अब सर ये तो आपको पता होगा, आप अभी तक खोला ही नहीं आपने, अब सोन पापड़ी वाला काम ही तो कर रहे हो आप उसके साथ में, मतलब इतनी बढ़िया चीज़ अगर आपके पास पड़ी भी हुई है आपने अभी तक उसको अनपैक नहीं करा, आपने उसे अभी तक यूज़ नहीं किया। भाई साहब मैं तो अगर आपकी जगह होता तो वो क्लाइंट जो क्लाइंट नहीं सॉरी जो भी रिलेटिव जो सब उसने जिसने दिया होगा ना वो वाला, उसके जाने की वेट है, उसके जाते सार मैं तो उसको भाई साहब खोल लेता और कनेक्ट भी कर देता अभी तक। आप तो सोन पापड़ी वाला हिसाब कर रहे हो उससे, अनपैक करिए बढ़िया सा। और यार एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि आप में से जो भी बंदे सेटअप लगाया हुआ है, जिन्होंने एक अच्छा सेटअप चल रहा है, तो आप उसकी वीडियोस जो सी है वो बनाकर शेयर करिए, तो उसके अंदर भी वीडियोस जो सी हैं आपको क्रेडिट के साथ में, आपके मतलब कि नाम के साथ में हम एक वीडियो बनाया करेंगे अपने इसी चैनल पर ही, तो उसमें आपके जो से सेटअप है जो सा उसके बारे में सारी डिस्कशन करा करेंगे वीडियोस के अंदर। आप जो वीडियो बना के भेजेंगे उसमें आप खुद बताएंगे सारा कि ये मॉडल नंबर है, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, क्वालिटी कैसी मिल रही है आपको, ताकि और लोगों को भी उस कंपनी और मॉडल के बारे में रिव्यू मिल जाए एक यूज़ करने वाले बंदे का। तो ऐसा कुछ हो तो आप प्लीज़ करिए ऐसा, अपने सेटअप की वीडियोस वगैरह बनाइए अच्छी अच्छी सी और मुझे पोस्ट करा करें। वो आई थिंक आप पोस्ट कैसे करेंगे, इंस्टा पर आई थिंक पोस्ट कर सकते हैं आप उसे, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी आप इंस्टा पर फॉलो कर लीजिएगा, और कोई भी बंदा अगर ऐसे भेजना चाहता है या कुछ होता है तो वो व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसको, आप वहाँ पर भी भेज सकते हो। एक्चुअली मैंने अपने क्लिप से बिल्कुल सर एक बार लगा के देखिए अजीत जी, क्या फर्क आता है आपका उसमें, कुछ तो पता लगेगा उसके अंदर में ना कि भाई बेटर है या नहीं है या कैसा, एक रिव्यू मिलेगा सिर्फ उससे, सबसे बड़ी बात जो सी वो ये है। अनबॉक्सिंग करेंगे आप उसको, उसकी वीडियो बनाइए, वीडियो बनाकर उसमें उसकी इंस्टॉलेशन की भी वीडियो आप बना सकते हो वहाँ पर, फिर उसको चलाएंगे जब तो उसका रिव्यू दे सकते हो आप। तो आपका ये सारा जो सी वीडियो आप मुझे सेंड कीजिएगा, मैं पूरे अपने जितने भी हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, हमारे जो फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं हमारी ऑडियो गुरु जी की, उनके साथ भी शेयर करेंगे, जिससे उन्हें भी पता लगेगा। मतलब एक नॉलेज सबको मिलेगी चीज़ के बारे में। अब हर कोई तो देखिए हर किसी के पास हर एक चीज़ तो नहीं होती है, बट जिसके पास जो है वो उसके बारे में रिव्यू अगर करता है तो किसी ना किसी के लिए वो कभी ना कभी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आप भी ऐसा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेसिक एम्पलीफायर वाला वीडियो नेट में नहीं है, लेट पीपल्स नो हाउ टू कनेक्ट वाई ब्लूटूथ टू एम्पलीफायर, बेसिक सेटअप वाला वीडियो नेट में नहीं है, लेट पीपल्स नो हाउ टू कनेक्ट बाय ब्लूटूथ टू एम्पलीफायर।
सर इसमें तो यार कोई ज़्यादा लोचे वाला काम होता नहीं है, बस उसको आप सिलेक्शन के अंदर जाते हैं, इनपुट उसमें सेट करते हैं उसको एम्पलीफायर को अपने, और वहाँ पर पेयरिंग का ऑप्शन आ जाता है, बस आप उसको अपने डिवाइस के साथ में पेयर कर सकते हैं। बाकी सेटअप की जो सी एक वीडियो मैंने अभी बनानी है, जिसके अंदर पूरे एक सेटअप का वायरिंग वगैरह का और कनेक्शंस वगैरह जो से हैं वो दिखाने हैं जिसमें, तो उसके अंदर ब्लूटूथ से कनेक्ट कर कर भी दिखा देंगे, वो भी एक इंक्लूड कर देंगे बीच में कि कैसे करते हैं उसको मतलब। और बेसिक सेटअप वाला वीडियो नेट में नहीं है। आई यूज़ BT रिसीवर बाय टॉशिलिंक। पहले भी बताया था मैंने इसके बारे में, बट उस टाइम आई थिंक काफ़ी सारे बंदे जो उनसे वो कनेक्टेड नहीं थे। तो ये एक रिबन ट्विटर है, एक्चुअल में इसे फोल्डेड रिबन ट्विटर बोला जाता है, वैसे नियोडियम मैग्नेट के अंदर बनाया गया है ये। पूरे ट्विटर के अंदर में एक पेज तक नहीं है जिससे कि इसको असेंबल किया गया हो। टोटली जो सा ये ट्विटर है मैग्नेट के साथ कनेक्ट है, मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स जो है उससे ये जुड़ा हुआ है। कोई पेच नहीं लगा हुआ है इसके अंदर, कोई भी लॉक नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसके अंदर। तो ये भी जो सा है ये हमारे एक ऑडियो गुरुजी फैमिली के ही सदस्य हैं जो कि चेन्नई से हैं, उन्होंने से ये मेरे पास भेजा है, आज ही मैंने रिसीव किया है इसको रिपेयरिंग के लिए। एक्चुअल में उन्होंने ये भेजा है वहाँ से, तो आपको मैं खोल के भी दिखाता हूँ, अगर उस टाइम शायद आप कनेक्टेड ना हो पहले, तो इसी नॉर्मल से तरीके से इसको जैसे मैंने बताया कि चिपकाया गया है, तो इसे आप लगाएंगे तो यहाँ से ये देखिए इसकी जो फ्रंट प्लेट है वो अलग हो जाती है इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कामयाब, इसका ब्रांड जो है वो भी दिया गया है, इलेक का है ये, इलेक कंपनी का। और बात करते हैं बाकी इससे कि इसके इसके लिए मुझे कुछ चाहिए होगा इसको खोलने के लिए, ऐसे ये खुलेगा नहीं। एक मिनट रुकिए, इसको खोलते हैं अभी। तो इसे खोलने के लिए हमें यहाँ से एक इस तरीके से हम इसे खोलेंगे,
जैसा कि आपको बताया मैंने कि कोई पेच नहीं होता इनके अंदर, कुछ नहीं है, सिर्फ एक मैग्नेट से ही ये कनेक्ट किए हुए होते हैं। तो यहाँ से इसको खोलते हैं तो ये अलग हो जाता है। ये एक रिंग है, इसका आउटर रिंग जो सा कि दोनों को जो आपस में बनाए जोड़े रखते हैं। बाकी ये अंदर जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा जो टिक्की है जो सी इसकी, ये इसकी मैग्नेट है, नियोडियम मैग्नेट के अंदर ये बनाया गया है। पीछे जो सा है वो सिर्फ शीट एक प्लेट है, कोर प्लेट जिसको कहा जाता है। काफ़ी पावरफुल मैग्नेट है ये, और इसका जो डायलफ्राम है वो ये इसका डायलफ्राम है। इसे बोला जाता है रिबन फोल्डेड रिबन ट्विटर। एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि हमारे जो से वैसे रिबन स्पीकर्स होते हैं वो बिल्कुल सपाट होते हैं, प्लेन होते हैं, बट जो फोल्डेड रिबन ट्विटर होता है उसमें फोल्ड करा होता है तो इस टाइप से उसमें वेव्स बनी हुई होती हैं, ऐसे ऐसे मतलब इस तरीके से वेव्स होती हैं, जैसे कि आप शायद दिख पाए, अगर ये आई थिंक दिखेगा नहीं ये, मगर ऐसे ये दिख नहीं पाएगा यहाँ। तो इसमें वेव्स बनी होती हैं जिससे कि जो फ्रिक्वेंसी जब इसमें से आउट होती है, जो उनकी हम हाई आउट होती है हमारी, तो वो जो हमारी ऐसे ऐसे करके जिगजैग सा बना हुआ है उसकी वजह से वो और ज़्यादा वाइड एरिया कवर कर लेती हैं, काफ़ी वाइड हो जाती हैं, जिससे कि काफ़ी अच्छी कवरेज हमें मिल जाती है। इसको रिपेयर जो उनसे करना है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डेलिकेटेड है, सॉफ्ट होता है बहुत ज़्यादा, हल्का सा भी प्रेशर अगर पड़ा है तो ये टेढ़ा मेढ़ा होना शुरू हो जाएगा। सेकेंडली ये पूरा जो उनसे इसका एरिया है ये पेस्टेड किया गया होता है, इसके ऊपर गम लगी होती है, तो वो गम जब तक हटेगी नहीं तब तक आप इसकी कनेक्टिविटी को चेक नहीं कर सकते, तो पहले उसको हटाना पड़ता है सारा, फिर उसके बाद देखना होता है कि कहाँ से कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है और 10 में से 7% चांस होते हैं कि रिपेयर नहीं होगा, 3% चांसेस ही होता है कि हाँ ये रिपेयर हो जाएगा। तो आज ही से रिसीव किया है, अब ये होगा या नहीं होगा ये तो बाद की बात है, कोशिश हम बाकी करेंगे क्योंकि इतनी दूर से उन्होंने भेजा है इसे, तो काफ़ी अच्छा, मतलब कि मुझे इसकी जो पैकिंग है जो वो काफ़ी अच्छी लगी है कि किस तरीके से मतलब ये बनाया गया, देखने में भी एक अलग सी यूनिक सी आइटम जैसे होती है, ऐसा लगता है देखिए इसको बड़े संभाल के करना। नियोडियम मैग्नेट है, अगर आपकी उंगली बीच में आ गई ना तो ये आपकी उंगली को फाड़ देगा, मतलब इतनी पावर है इसके अंदर, तो इसे बड़े ध्यान से करने वाला काम है कि आप पावर देख सकते हैं कि ये छूटने में भी इतना टाइम लगता है इसे। इस तरीके से बंद हो जाता है, देखिए लगा देते हैं हम, इस तरीके से ये पैक हो जाता है, बहुत अच्छी चीज़ है, काफ़ी कॉस्टली भी है ये। आई थिंक ट्विटर की अगर हम बात करते हैं प्राइस की तो तकरीबन कोई $300, $350 या $300 के आसपास का खाली ये ट्विटर ही होगा एक। तो अब ये रिपेयर होता है या नहीं होता है ये देखा जाएगा, नहीं होगा अगर तो फिर इसके डायफ्राम का पता करना पड़ेगा कि डेलफ्रेम इसका अगर अवेलेबल होता है तो वो थोड़ा सस्ते में हो जाएगा, अगर पूरा ट्विटर हम चेंज करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा।
तो देखेंगे इसे बाद में। फिलहाल तो अभी आप सब लोग पता नहीं कहाँ पर गायब हो जाते हो बार बार। कोई है भाई साहब, यहाँ चले गए सारे निन्नी करने चले गए हो? टाइम कितना हुआ है पहले ये देखते हैं जरा। तो 10:30 बज गए हैं, तो आप भी ठीक हो वैसे अगर निन्नी भी करने जा रहे हो तो अभी भी व्यक्ति अगर है ऐसा जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो आई थिंक अभी ज़्यादातर बंदे जो उनसे हैं वो गोली हो चुके हैं यहाँ से, तो हम जाने प्रोग्राम बनाना लेना चाहिए। अगर आप में से एक्टिव नहीं है अभी कोई तो मोहम्मद आरिफ, वेरी नाइस, थैंक यू मोहम्मद आरिफ जी। मोहम्मद आरिफ जी की प्रोफाइल फोटो आ नहीं रही है, तो एक्चुअल में एक मोहम्मद आरिफ जी हैं जिनको मैं जानता हूँ काफ़ी अच्छे से, बट अभी ये वो वाले ही हैं या कोई और हैं ये, क्योंकि इनकी प्रोफाइल फ़ोटो नहीं आ रही है। आरिफ भाई आप वही वाले हो या कुछ? वेलकम डियर एल जी, ठीक सर, बिल्कुल बिल्कुल, कैसे हैं आरिफ भाई? तो ये वही वाले आरिफ भाई हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनको मैं जानता हूँ। ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई एंड चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि क्रेल का एवियोशन सीरीज़ है इनकी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। नियोडियम से मैंने किसी के कान, तो भाई साहब ये तो पूरा कान तो फाड़ देता है, ये तो इतनी पावर होती है इसके अंदर, ये हालत ख़राब कर दी होगी अजीत भाई, उसने तो पूरा कट गए होंगे वो तो बिल्कुल उसकी। इंडिया तो बढ़िया सर, आरिफ भाई बिल्कुल बढ़िया ही रहिए, खैरियत रहे, घर परिवार सब बढ़िया रहना चाहिए। कादिर भाई क्या कह रहे हैं, 10+12+12 रूम में कौन सा एवीआर प्लस स्पीकर लगाएंगे एटमॉस में? कादिर भाई कोई भी लगा सकते हो, ऐसा तो कुछ कंपनी को कैसे हम करेंगे, आपके बजट पे देखिए डिपेंड करता है कि क्या बजट है आपका। कमरे का जो साइज़ आप बता रहे हो तो बहुत ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं है, तो यहाँ पर आपको नॉर्मली 5 चैनल में काम हो जाएगा वैसे तो, और अगर एटमॉस में जाते हो आप तो 5.2.2 की कन्फिग्रेशन हमें मिलती है जिसमें कि 5 स्पीकर लगा सकते हो, एक सबवूफर लगा लीजिए और दो जो स्पीकर है वो आपके सीलिंग पे चले जाते हैं। तो इसके अंदर एवीआर की बात करते हैं तो 1600 से स्टार्ट होता है, जैसा कि डेनन अगर आप नए में जाते हैं, अगर आप यूज्ड में जा रहे हैं तो ऑनक्यो के अंदर 636 है, 737 है, 595 है, सॉरी 5 नहीं 656 है, तो ये अवेलेबल हैं जो उनसे एम्पलीफायर ए ऑनक्यो में एटमॉस में, तो ये हैं। इसके अलावा स्पीकर्स की पैकेज की बात करोगे तो पैराडाइम है, टावर स्पीकर्स में जाना चाहो तो इलेक है, मॉनिटर ऑडियो है, एंड और एक दो कंपनीज मेरे पास जो उनसे अवेलेबल होंगी, टेनॉय है जैसा कि, तो ये मिल जाएंगे आपको। नए में जाना चाहते हो, बजट नॉर्मल है तो आप 5.1 का पैकेज एक खरीद सकते हो, पोको ऑडियो है, पोको ऑडियो, बट मैं सजेस्ट करता नहीं हूँ अगर आपका बजट अगर टाइट हो तो। बाकी सिनेमा सीरीज़ है इलेक की नए के अंदर, वो ले सकते हो। तो ये जो से ये मतलब कि एंट्री लेवल के प्रोडक्ट हैं जो नए में बता रहा हूँ मैं आपको, तो बजट अगर कम होता है तो फिर बंदा यहीं पर जाता है, अगर आप यूज़ में जाते हो तो आपको काफ़ी हाई एंड वाली चीज़ें जो सी वो उसी पैसों में मिल जाती हैं, बट वो यूज़ होती हैं, तो इस तरीके से काम चलते हैं। मतलब मेनली कादिर भाई देखो, कहने का जो असली मतलब है वो ये है कि आपका बजट क्या है और क्या प्रेफर करते हो आप, नया या यूज्ड। सबसे पहले तो यही वाली कंडीशन जो उनसे ये आ जाती है, बाकी की जो वार्तालाप होती है वो उसके बाद की होती है।
मनोज शर्मा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मनोज जी, कैसे हो सर? बढ़िया सर, गुड ही रही है। ऐसा घर पे करने की कोशिश ना करें, ये स्टंट बहुत ही हानिकारक हो सकता है आपके लिए, इसलिए कभी भी ऐसे कान के अंदर पूरा इसे डालने की कोशिश ना करें। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि अभी हमारे को अलविदा कर लेना चाहिए, क्योंकि कमेंट्स वगैरह भी अभी कम हो गए यानी, एंड काफ़ी से लोग जो से हैं वो अभी जा भी रहे हैं यहाँ से। तो आई थिंक काम धंधे वाले बंदे होंगे सारे, तो टाइम से सब कुछ है, खाने का टाइम भी है। तो मनोज जी कह रहे हैं एटमॉस कंटेंट कहाँ से डाउनलोड करें, 5.1 भी बहुत कम मिलते हैं। मनोज जी देखो, डाउनलोड करने हैं अगर आपने कोई भी एटमॉस का कंटेंट, तो वो तो आपको सर्च करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा। अब वो कहाँ से उसे करें, तो मैं डाउनलोड नहीं करता हूँ कभी भी ऐसी चीज़ें, मैं हमेशा ओरिजिनल चीज़ ही यूज़ करता हूँ। तो ओरिजिनल से मेरा मतलब है कि मैं डीवीडीज ही परचेज़ करता हूँ या फिर ब्लूरे डिस्क जो सी है वो परचेज़ करता हूँ। डाउनलोड करके मैं नहीं ज़्यादातर देखता ऐसी चीज़ें, क्योंकि एक्चुअल जो सी क्वालिटी हमें मिलती है एक ब्लूरे डिस्क से, वो क्वालिटी जो सी है वो आप चाहें जितनी मर्जी अच्छी मूवी को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, काफ़ी हैवी फॉर्मेट जो सा है उसका, उसको भी अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तब भी आपको वो क्वालिटी जो सी है नहीं मिलेगी जो एक ओरिजिनल डिस्क आपको दे सकती है। तो मैं प्रेफर हमेशा हर बंदे को यही करता हूँ कि आप डिस्क का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, ब्लूरे प्लेयर लगाइए साथ में और एक हमें डिस्क लगाइए उसमें, सॉरी डिस्क कह रहा हूँ, ओरिजिनल डिस्क लीजिए उसमें, तो वो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर उसके लिए आपको नेट पर जाकर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, पहले टोरेंट्स की कई वेबसाइट होती थी तो वहाँ से भी लोग डाउनलोड करते थे, तो वो सुनने में आया कि बंद हो चुकी हैं, और भी कई वेबसाइट्स होंगी ऐसी, तो आप एक बार नेट पर सर्च कीजिए। अगर वैसे मुझे पता लगेगा कोई वेबसाइट का ऐसा तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, आपको बता भी दूंगा। तो दोस्तों अभी के लिए आई थिंक हमें अलविदा कर देना चाहिए है, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है अभी, और बिल्कुल सर टाइम हो चुका है। तो आज वैसे भी बुधवार है तो कल कोई ऑफ तो है नहीं किसी का, तो सबने अपने अपने काम धंधों में जाना है, खाने का टाइम भी हो रहा होगा, बीवी आपकी जो है वो आवाज़ लगा रही होगी आपको, तो इससे पहले कि मुझे गालियाँ पड़नी शुरू हो जाएं भाभी से मैं निकल लूँ तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छा रहेगा। तो एक ये कमेंट हम पढ़ लेते हैं मनोज जी का, पहले क्या कह रहे हैं ये, न्यू मूवीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं डिस्क में। ऐसा नहीं है सर, डिस्क में तो हर चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगी, क्यों, किसने कहा है आपको नहीं होती अवेलेबल? मार्केट के अंदर जब एक पिक्चर रिलीज़ होती है तो उसी डेट पर आपको स्टोर्स में वो डीवीडी, ओरिजिनल डीवीडी जो सी होंगी उसकी मिलनी शुरू हो जाती हैं, हर एक मूवी है या कोई कुछ भी होता है तो उसकी आपको मिलेंगी डीवीडी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती। तो बाकी की जानकारी मनोज जी अब करेंगे अगली वीडियो के अंदर, अभी अलविदा करूंगा मैं आप सब भाइयों से, कि चलिएगा आप भी, खाना वाना खाइएगा, बढ़िया रहिएगा। बाकी जाते जाते हमेशा की तरह सिर्फ आपसे एक बात कहूँगा कि आप मस्त रहें और स्वस्थ रहें। तो अभी के लिए चलते हैं फ्रेंड्स, गुड नाइट है आप सबको,
और बहुत बड़े वाला धन्यवाद भी आपको कि आपने अपने कीमती समय में से थोड़ा समय हमारे लिए भी निकाला, अपने छोटे भाई के लिए। तो अभी चलता हूँ मैं भी, आपको, आप भी जाइएगा, बाकी फिर से मिलेंगे किसी नई वीडियो के अंदर। तो वीडियो एक तैयार है, कल सुबह वो अपलोड भी हो जाएगी, तो आप तैयार रहिएगा। उसमें एक स्टूडियो सेटअप है, उसकी वीडियो अपलोड कर रही है, अपलोड हो चुकी है एक्चुअल में वो, बट अभी उसको लाइव नहीं किया है, तो वो लाइव भी मैं कर दूंगा उसको। तो चलिए दोस्तों, अभी आपसे अलविदा चाहूँगा। जय हिंद, गुड नाइट, शबा खैर, सत श्री खैर, खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो या गाजियाबाद रहो। गुड नाइट, गुड नाइट कंगेश जी, गुड नाइट अजीत जी, फिर मिलेंगे। ओके दोस्तों।